आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज हम औसत पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं। तो अगर एवरेज की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूँ ना, तो सपोज मुझे अगर एवरेज सैलरी निकालनी है, 20 लोग हैं, 20 की सैलरी को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ। जो भी 20 लोग हैं सबकी सैलरी को मैं ऐड कर दे रहा हूँ और उसको 20 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर 20 लोग हैं इसलिए मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा एवरेज सैलरी, मतलब औसतन सबके पास जो सैलरी है वो इतनी आ चुकी है, जो मेरा डिवाइड करने पे जो वैल्यू आई है। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने सबकी सैलरी को अपने हाथ में ले लिया और सबको मैंने बराबर बराबर बांट दिया। तो जो मैंने बराबर बराबर बांटा है ना, जो बराबर अमाउंट बांटा है, उसी को हम एवरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। ठीक है, तो एलिगेशन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम पहला प्रॉब्लम डील करने वाले हैं, जो पहले टाइप्स डील करने वाले हैं, वो हम सारे क्वेश्चन एलिगेशन से लगाएंगे। तो अगर आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि एलिगेशन कहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो एलिगेशन हम वहाँ पे लगाते हैं ना जहाँ पे हमें किसी होल का, किसी मतलब कुछ लोग हैं ना, या कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग हैं उनका मुझे एवरेज पता है ना, एवरेज पता है। साथ में उस जितने भी लोग हैं उसका एक टुकड़ा, एक हिस्सा का मुझे एवरेज पता है, और जो बच गया उस हिस्से का मुझे एवरेज पता है। हमसे पूछता है कि यहाँ पे इन दोनों आदमी में ना, या तो रेशियो पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है कि कितने आदमी हैं, या दोनों में जितने आदमी उनका रेशियो होता, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें एलिगेशन वहां पे लगाना है जहां पे मुझे टोटल पार्ट का एवरेज पता हो, उसके एक हिस्से का एवरेज पता हो, और जो बच गया उसका एवरेज का हिस्सा, उसके जो बच गया हिस्सा उसका एवरेज पता हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे क्लास 10th में कुछ बच्चे हैं, क्लास 10th पहली बार तो 2 भागों में डिवाइड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मुझसे कह रहे हैं जो क्लास 10th के बच्चे हैं, उन जो भी सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों मिला के जो टोटल बच्चे हैं क्लास 10th में, उनका जो एवरेज एज है वो सपोज मान लो कि वो एज है आपका 17। क्लास 10 के बच्चों का जो एज है वो 17 है, लेकिन मुझसे कह रहा है जो सेक्शन ए है उनके जो एवरेज है वो 19 है। जो सेक्शन ए है में बच्चे हैं उनका जो एवरेज एज है वो 19 है, और जो सेक्शन बी में बच्चे हैं उनका एवरेज एज 16 है ना। सेक्शन यहाँ पे सेक्शन ए है, यहाँ पे सेक्शन बी है, सेक्शन ए के एवरेज एज दिया है, सेक्शन बी का एवरेज एज दिया है, और सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिला के हमें एवरेज एज यहाँ पे दिया है। तो हम यहाँ पे क्या है, ये हमें देखो एक हिस्से का दिया है, ये दूसरे हिस्से का दिया है, दोनों हिस्से का मिला के दिया। तो मैं समझ जाऊंगा भाई यहाँ पे एलिगेशन से मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, जो मैं एज बोल रहा हूँ ना, वहाँ पे आपका सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब ऐसे होता है। जो मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह में, मिक्सर एलिगेशन में, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए और बी में जितने बच्चे हैं उनका मुझे बता दो, तुम क्या उनका बता दो रेशियो, कि कितने कितने बच्चे हैं, जितने जितने बच्चे हैं उनका रेशियो बता दो ए और बी सेक्शन में। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहली बात तो आपको यह समझना है कि ये जो वैल्यू होती है ना, इन दोनों के बीच में ही कोई वैल्यू लाई करेगी, ये बात तो आपको समझना ही है। ठीक है, इन दोनों के बीच लाई कर गई, तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी वाली वैल्यू रहती है, जैसे आपको दिख रहा है 19 बड़ी है, तो 19 में से 17 घटा के हम यहां पे लिख देते हैं, तो यहां पे आ गया 2। फिर हम 17 में से 16 घटाते हैं तो फिर आ गया यहां पे, देखो एक बार मैंने यहां से यहां घटाया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है बीच में और ये छोटी है, फिर हमने यहां से यहां घटाया तो ये आ गया। आपको ये डायरेक्शन समझना इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि हमें कभी कभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 19 दिया, यहाँ पे 16 दिया, यहाँ पे मुझे x मानना पड़ता है ना। तो मुझे एक बात ये समझनी कि मैं 16 माइनस एक्स यहाँ पे लिखूं या x माइनस 16 लिखूं, ऐसा मुझे कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको यही समझना है, देखो ये 19 और 16 में 19 बड़ा है, तो आपको यहां से ये माइनस करोगे तो 19 माइनस एक्स यहाँ पे लिखोगे, और यहाँ पे आप x माइनस 16 लिखोगे, 16 माइनस एक्स मत लिख देना वरना आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्शन बता दे रहा हूँ, आप कोई भी डायरेक्शन लेके चल सकते हो, या तो इसको ऐसे लेके इसको ऐसे चल लो, चाहे जैसे ले चलो, लेकिन ऐसे चलना है, या तो ऐसे ऐसे चलना है, या तो आपका ऐसे और ऐसे चलना है, समझ गए। ठीक है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने बच्चे हैं उनका रेशियो क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे माइनस करके यहाँ पे 2 लिख दिया, और इसको इससे माइनस करके यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो ये जो 1 और 2 आ रहा है इसी रेशियो में, जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चे हैं इसी रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब सेक्शन ए में अगर सपोज अगर टोटल 30 बच्चे हैं, अगर मुझे दिया है कि आपका क्लास 10th में टोटल 30 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे और यहाँ पे 20 हो जाएंगे, क्योंकि इनका रेशियो 1:2 है, और ये आपका 10 और 20 मिलकर 30 बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी इज इतना, मतलब 120 आदमी जो सोसाइटी में है उनका जो एवरेज एज है वो इतना है। बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर्स, 30 नए मेंबर आ जाते हैं, तो जो एवरेज एज हो जाता है वो 58.2 हो जाता है। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड मेंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे समझेंगे कि हमें एलिगेशन लगाना है, तो आपको ऐसे समझना है कि मुझे 120 मेंबर का दिया है, और फिर 120 और प्लस 30 मेंबर का दिया है,
ठीक है, 120 और 130 मेंबर का दिया है इतना एज, तो ये टोटल लोगों का हो गया, ये एक का हो गया, और एक का नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही कुछ बात हो रही है, 30 लोग आए हैं उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है, तो हम उसको उसी तरीके से लिख देंगे, समझ गए? तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, देखो तो मुझे यहाँ से समझ में आ जाएगा कि मुझे एलिगेशन लगाना है, क्योंकि कुछ टोटल की बात कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे 120 लोगों की बात कर रहा है, यहाँ पे 30 लोगों की बात कर, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 120 लोग की बात कर रहा है, यहाँ पे 30 लोग की बात कर रहा है, और यहाँ पे 150 लोग की एवरेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो 120 जो लोग हैं उनका जो एवरेज है 62.5 है, और देखो ये एडिशन हो गया 30 लोग का, तो अब 150 लोग हो गए हैं, तो एवरेज एज इतना हो गया है, तो मतलब ये 150 लोगों का एवरेज एज इतना है, और ये 30 लोग का एवरेज एज मैंने मान लिया एक्स है, इतना मैंने मान लिया। अब अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं यहाँ पे, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे 4.3 दिख रहा है, यहाँ पे 4.3 दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे, आपको पता है ये मैंने ऐसे माइनस किया, तो ये मैं ऐसे माइनस करूंगा, तो यहाँ पे 58.2 माइनस एक्स मुझे दिखेगा। अब ये जो रेशियो आया है, ये जो रेशियो आया है, आपको ये समझने की जरूरत है, ये रेशियो किसका आया है, जो पहले मेंबर थे 120 और ये जो बाद में मेंबर 30 आए, इन्हीं का तो एवरेज है, क्योंकि मुझे ये जो 62.5 एवरेज दिया है 120 का दिया है, और ये जो 30 एक्स एवरेज है ये 30 लोग का दिया है, तो ये जो मेरा रेशियो आया है इन्हीं दोनों लोग का आया है, कि ये 120 और 130 का ही रेशियो आया है, जो कि आपको दिख रहा है ये 4:1 है, तो ये आपका 4:1 है, 120 और 130 का रेशियो निकालो तो 4:1 होगा ना, ठीक है। तो अब आपको ध्यान से देखना है, ये देखो ये 1 से इंटू 4.3 कर दो तो 4.3 आ रहा है, तो इसको भी अगर मैं 4.3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 3 12, हाथ लगा, 1 4 16, 17.2 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 58.2 माइनस एक्स दी है, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ, जो आपको दिख रही है 1 और आपको दिख रही है 4, 41 दिख रही है एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे जो 30 लोग थे उनका जो एवरेज एज है वो 41 आ जाएगा, समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। देखो, इन अ स्कूल एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर 30 एंड 36। वैसे हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उससे भी दिखा दे रहा हूं, उसका बेसिक से भी कर लेंगे, ठीक है। तो देखो और क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज देन द व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो मुझसे कह रहा है जो लड़कियां हैं उनका एवरेज इज 30 है, और जो लड़के हैं उनका एवरेज इज 36 है, और दोनों का मिला के मुझे एवरेज एज नहीं दिया, मैं उसको मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। अब आपको पता है बड़ी वाली वैल्यू 36 है, तो 36 माइनस एक्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे मैं एक्स माइनस 30 लिखूंगा, तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया रेशियो ऑफ गर्ल्स वर्सेस रेशियो ऑफ बॉयज, अगर मैं गर्ल्स और बॉयज का रेशियो निकालू तो यही तो आ जाएगा, यही तो आ जाएगा, और मुझे उसकी वैल्यू दी है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब लड़कियां दो हैं और लड़के एक हैं, तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो 36 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो आपका 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 आ जाएगी, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई, तो यहां से 32 मेरा करेक्ट आंसर आ गया, समझ गए? तो ऐसे करते हैं, आपको फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर मुझे लड़कियों का एवरेज दिया था, यहां पर मुझे लड़कों का एवरेज दिया था, यहां पर दोनों का मिला के एवरेज दिया था, तो मुझे यहां से पता चल गया कि लड़की और लड़के का एवरेज कितना होगा, तो लड़की और लड़के का एवरेज इतना होगा, और मुझे पता है ये एवरेज 2/1 है, तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब इसको करने का बहुत आसान तरीका यह है कि इसको आप एकदम बेसिक से करो, देखो तो यहां पे आपको पता है कि जो लड़कियों का नंबर है वो दुगुना है लड़कों के नंबर से, तो आप लड़कियां दो मान लो, लड़के एक मान लो, आप ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने समझ लिया कि दो लड़कियां हैं, तो दोनों लड़कियों का एज का सम इतना हो जाएगा, एक लड़का है तो उसका एवरेज एज, मतलब उसका जो एज का सम हो गया इतना हो जाएगा, और टोटल कितने लोग हो गए, दो लड़कियां एक लड़का, तो टोटल 3 हो गए, तो अगर 60 36 96/3 32, तो आपका ये वाला तरीका आसान है, लेकिन मुझे आपको तरीका सिखाना है एलिगेशन का, तो ये भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखो, एवरेज एज ऑफ 132 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इज 50, इफ द एवरेज एज ऑफ द मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट इज 55 एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स द फेल्ड स्टूडेंट इज 35, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, मुझे कैसे पता चला यहाँ पे एलिगेशन लगाना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे पास हुए हैं उनका जो मार्क्स है एवरेज मार्क्स वो 55 है, जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स जो है 35 है, और जो पास फेल मिला के तो टोटल बच्चे हुए उनका एवरेज मार्क्स 50 है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि पास और फेल के बीच का जो रेशियो है वो कितना है, जो कि 3:1 मुझे दिख रहा है, ये बच्चे पास हैं और ये बच्चे फेल हैं, ये मुझे रेशियो आ गया, लेकिन मुझसे रेशियो किस चीज का पूछा है, यहां से देखो, व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स, कि टोटल पास और टोटल फेल स्टूडेंट का रेशियो क्या है, मतलब सॉरी उनके मार्क्स का रेशियो क्या है। तो आपको यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे वैसे आपको
अगर मुझे ये बताना हो कि कितने लोग हैं जो पास हुए हैं, कितने लोग जो फेल हुए हैं, वैसे उसका काम नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको पता है टोटल 132 लोग हैं स्टूडेंट। आपको पता है ये तीन रेशियो चार आए, तो ये पास वाले हैं, फेल वाले हैं, तो टोटल अगर करो तो ये चार हो गया, और उसी चार की वैल्यू आपको 132 दी है, तो आपको एक की वैल्यू 33 आ जा रही है, तो आपको इसकी जो पास हुए बच्चे उनकी वैल्यू 99 आ जाएगी, और इनकी वैल्यू आपकी एक वैल्यू 33 आ जा रही है ना, ठीक है, तो ठीक है, और ये जो फेल हुए इनकी वैल्यू 33 आ गई, तो ये आपका आ गया, ठीक है। तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स पास स्टूडेंट एंड द टोटल मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे पास हुए हैं उनके जो नंबर है उनका टोटल सम कर दो, और जो बच्चे फेल हुए उन सभी बच्चों के नंबर का सम कर दो, तो जो रेशियो है वो रेशियो मुझे बताना है। तो 99 लोग का रेशियो 55 है एवरेज का, तो 99 × 55 कर दूंगा, और ये रेशियो बताना है जो फेल 33 लोग फेल है उनका जो एवरेज मार्क्स है 35 है, तो 33 × 35 कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना ये तीन बार चला जा रहा है, और ये तीन रेशियो वन था, मैं डायरेक्ट तीन रेशियो वन से भी कर सकता था, मैं ये पूरा लेके भी कर सकता था या इनका रेशियो लेके भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी उससे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 11 से काट दो, 5 से काट दो सॉरी, तो ये आपका 7 आ गया, तो मतलब 33 रेशियो 7 आ गया। क्या ये क्या आया है, ये जो बच्चे पास है उनके मार्क्स का और जो बच्चे फेल है उनके मार्क्स का रेशियो आया है, मतलब टोटल मार्क्स का, मार्क्स यानी टोटल मार्क्स का रेशियो आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 5 चिल्ड्रेन ऑफ अ फैमिली इज 15 साल, एवरेज एज ऑफ चाइल्ड टुगेदर विद ईयर। अच्छा इन जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही मतलब बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको एलिगेशन बता रहा हूँ क्योंकि एलिगेशन से आपको क्वेश्चन बहुत क्विकली होता है, लेकिन कभी कभी जब डेटा जैसे बहुत ही डेटा आसान रहता है ना जब हो जाता, तो आपका बेसिक से आसान हो जाता है, लेकिन जब डेटा थोड़ा सा उल्टा सीधा दे देता है तो आपका एलिगेशन से आसान होता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी एलिगेशन सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आप बेसिक से तो आप भी कर लोगे, बाकी मैं आपको सिखा भी दूंगा बेसिक से भी कैसे करना है, ठीक है। देखो द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली इज 15 साल, एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर विद देयर फादर एंड मदर इज 25 साल, इफ द फादर इज ओल्डर देन मदर बाय 4 ईयर देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ मदर। आपको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन देखो आपको क्या कैसे पता चलेगा कि 5 बच्चों का जो एवरेज एज है 15 है, और जब उनके मम्मी पापा दोनों को और इंक्लूड कर देते हैं तो जो एवरेज एज है 25 है। देखो यहाँ पे देखो 5 बच्चों का एवरेज एज 15 है, और जब उसके मम्मी पापा को इंक्लूड कर देते हैं तो आपका एवरेज 25 हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इनके मदर फादर को इंक्लूड कर दिया, फादर मदर को यहाँ पे इंक्लूड किया, यहाँ पे सारे बच्चे हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं, और इन टोटल का मुझे मिला के मुझे एवरेज दिया, इन 5 का एवरेज दिया है, टोटल का दिया, और इन दोनों का मैंने एफ एम मान लिया, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो ना, एफ एम मान लिया मैंने, फादर मदर मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब मुझे यहाँ से क्या आ जाएगा, मुझे यहाँ से रेशियो पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं और कितने मम्मी पापा हैं, ठीक है। तो वैसे मुझे पता है लेकिन यहाँ पे लिख लो उस चीज को। तो यहाँ पे ये 10 आ गया है, और यहाँ पे आपका देखो आपको पता है कि ये वैल्यू छोटी है, ये बीच में तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, मतलब यहाँ पे मुझे एफ एम माइनस 25 लिखना है, और यहाँ पे मुझे 25 − 15 जो कि 10 आ जाता है, ठीक है। अब एक बात आप मुझे बता दो कि जो रेशियो आएगा ये क्या, ये बच्चे हैं और ये मम्मी पापा हैं, तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स उनका रेशियो क्या आएगा। मुझे पता है यहाँ पे 5 बच्चे थे, और यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे कितने लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे, मम्मी पापा 2 ही लोग तो हैं, तो यहाँ पे 2 लोग थे, तो आपको दिख रहा है ये 2 × 5 हुआ है, तो ये भी 5 × 5 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो मतलब 25 की वैल्यू जो आ रही है एफ एम माइनस 25 आ रही है, तो एफ एम की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो ये आपका क्या 50 आया, ये आपका आया कि मदर फादर के का एवरेज एज आया है 50 ना, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि जो मदर का एज है वो 4 कम है ना, इफ द फादर इज, फादर जो है 4 साल बड़े, तो आपको दिख रहा है मदर की एज 48 हो जाएगी और फादर की एज 52 हो जाएगी, तो आप यहां से निकाल सकते हो, आपको किसका का पूछा है, माता का पूछा है ना, तो माता की आयु बताओ, तो माता की आयु आपकी 48 होगी, समझ गए, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। देखो द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई 3 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट वर इज 55, ठीक है। When the 2 more students were added, the new average marks become reduced by 5. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कह रहा है। देखो 3 लोगों का एवरेज एज 55 है, जब हम 2 लोग को और ऐड कर दें तो एवरेज एज जो है ना आपका 5 से घट जा रहा है, मतलब 50 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग को ऐड किया, तो मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे, जितने भी थे 3 लोग थे ना सर, 3 लोग थे, और यहाँ पे 2 लोग को मैंने ऐड कर दिया, मतलब इनका एवरेज एज इतना है, इनका एवरेज इतना है, और टोटल का एवरेज एज इतना है। तो यहाँ से अगर मैं ये लूंगा तो आपको दिख रहा है 55 बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ पे जो होगा ना 50 − x होगा, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, और आपको रेशियो ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे 3 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग थे, तो आप देखो ये 2 × 5 किया, तो 2 × 5 क्या है, सॉरी नहीं
इंटू 2.5 किया है, तो यहाँ पे इंटू 2.5 कर दोगे तो आपके यहाँ पे 7.5 आ जाएगा। 7.5 की वैल्यू आपको 50 मैंने एक्स दिया, तो आपको एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 42.5 आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू, जो दोनों लोग हैं, दो बच्चे आए थे ना, दो मोर स्टूडेंट जो ए और बी आए थे, उनका जो एवरेज एज है वो 42.5 आ जाएगा। तो अगर दोनों के एज को मैं खोल दूँ, टोटल एज ले लूँ कि दोनों का सम एवरेज एज का सम क्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 85 आ जाएगा, ये दोनों की एज का सम आ जाएगा। अब हमसे कह रहा है बी ने 15 नंबर ज्यादा स्कोर किए हैं ए से, तो दोनों ने कितना स्कोर किया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सिंपल आप 15 पहले निकाल दो बाहर, क्योंकि 15 ज्यादा या कम कुछ भी हो, आप 15 बाहर निकाल दो। 15 ज्यादा है तो 15 मैंने बाहर निकाल दिया, जो बच गया उसको मैं बराबर बराबर बांट लेता हूं। तो मेरा बच गया कितना, मेरा 70 बच गया, तो उसको मैं 35-35 बांट लूंगा। तो 35 ये हो गया और ये 35+15 हो जाएगा, जो कि आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ, 35 और 15 आपका ऑप्शन आ गया, 35 और 50 आपका क्या आ गया, दोनों ए और बी का आपका मार्क्स आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है, ए का, तो ए का आपको पता है कम है, तो ए का 35 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हम पे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो हमें क्या है, यहाँ पे जैसे तीन लड़के थे, मुझे तीनों का एवरेज एज पता था। अब दो बच्चे और आ जाते हैं जिनका मुझे एवरेज एज नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया, उनका एवरेज एज एक्स है। वैसे यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही थी, एवरेज मार्क्स एक्स है। अब उनको जब दोनों आ जाते हैं, मतलब ये तीन और ये दो, पांचों मिलके मुझे एवरेज पता चल गया, तो मुझे देखो इस एज का पता है, इसका मैंने मान लिया है, और मुझे इसका पता है, और मुझे रेशियो पता है, मुझे ऑलरेडी रेशियो पता था कि ये तीन है ये दो है, तो उसी हिसाब से जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिख के बाकी जो भी वैल्यू हमें नहीं पता उसको हम सॉल्व कर लिए। जैसे यहाँ पे देख लो, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50, तो 120 लोग का जो एवरेज है वो 50 है। इफ द एवरेज एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स 70, जो बच्चे पास हुए हैं उनका एवरेज 70 है, सॉरी एवरेज मार्क्स 70 है, और जो बच्चे फेल हुए हैं उनका एवरेज मार्क्स 30 है। तो मुझे देखो फेल पास टोटल, बस आसान है, पास 70 फेल 30, टोटल का 50 है। तो मुझे यहाँ से दिख गया जो आपका यहाँ पे 20 और 20 आ जाएगा, जिसको मैं 1:1 भी मान सकता हूँ। तो मतलब बराबर बच्चे पास हुए, बराबर बच्चे ही फेल हुए, और 120 बच्चे हैं तो आपके 60 पास हुए होंगे, 60 फेल हुए होंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं कितने नंबर पास है, तो 60 ही पास है, 60 ही फेल है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज 50 kg। ठीक है, जो एवरेज एज है बास्केट में वो 50 kg है। अब 6 नए एप्पल हम लाएं जिनका एवरेज एज जो है वो 60 था। ठीक है, देखो अभी 50 है, 6 नए एप्पल मैंने इंक्लूड किया, उनका एवरेज एज 60 था। अब दोनों का मिला के जो एवरेज एज है वो कितना हो गया, वो आपका 45 हो गया है, क्यों, सॉरी 55 हो गया, क्यों, क्योंकि इससे वो 5 इंक्रीज कर गया, तो 55 हो गया। तो देखो पहले जो कुछ एप्पल थे उनका एवरेज एज, सॉरी यार एवरेज एज ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, शुरू मैंने एवरेज एज का एग्जांपल ले लिया ना, तो यहाँ पे एवरेज एज ही निकल रहा है उससे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो एवरेज वेट है वो 50 है, और जो बाद में 6 एप्पल मैंने और ऐड किया उनका जो एवरेज वेट है वो 60 है, और दोनों का मिला के जो एवरेज वेट है वो 55 है। तो आप यहाँ से देख लो, आपको 1:1 दिख रहा है। मैंने यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 6 एप्पल ऐड किए थे, मतलब इंटू 6 किया था, तो यहाँ पे मैं भी पहले जो से एप्पल होंगे वो इंटू 6 करूँगा, तो यहाँ पे 6 एप्पल मेरे पास पहले से भी थे, 6 एप्पल मैंने बाद में किया, तो यहाँ पे 6 पूछा, आपसे पूछा कितने एप्पल पहले थे, 6 एप्पल पहले थे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 40 ईयर, इफ द एज ऑफ अ गेस्ट इज इंक्लूडेड देन द एवरेज एज इंक्रीज बाय 12.5, व्हाट इज द एज ऑफ द गेस्ट। कर लेते हैं इसको भी हम एलिगेशन से कर देते हैं, और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एलिगेशन सीख रहे हैं। देखो तो 6 लोग थे, उनका एवरेज 40 था, एक नया मेहमान आया उसका एवरेज मैंने मान लिया एक्स है। अब जो नया मेहमान आया है और जो ये लोग पहले से थे, इन लोग का पूरा एवरेज एज अगर मिला लो तो इनका एवरेज एज कितना बन रहा है, कह रहा है एवरेज एज 12.5 से इंक्रीज कर जा रहा है, मतलब 1/8 से इंक्रीज कर जा रहा है, तो 40 का 1/8 हो जाएगा 5, मतलब इनका एवरेज एज हो गया 45। तो आप देखो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया, आपको देखो एक बात बताएं, यहाँ पे 45 माइनस एक्स लिखोगे, एक्स माइनस 45 लिखोगे, इसका फैसला कैसे करोगे। तो आपको बताइए 40 से ये वैल्यू छोटी, तो ये जो ऐसे डायरेक्शन में गया होगा, मतलब 45 से 5 माइनस किया है, तो यहाँ से मैं एक्स में से 45 माइनस करूंगा, तो एक्स में से 45 माइनस करूंगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, अब मुझसे क्या कह रहा है, अच्छा एक बात बताओ, हमें इनका जो रेशियो आएगा वो तो मुझे पता है, वो कितना रेशियो आ रहा है आपको पता है, पहले 6 लोग थे और यहाँ पे एक आदमी है, मतलब 6:1 है, तो ये इंटू 5 हुआ है, तो ये भी इंटू 5 हो जाएगा, तो ये आपका बेसिकली 30 है, 30 की वैल्यू आपको इतनी दी है, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45+30 75 आ जाएगी, तो आपका 75 आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि ये जो आदमी आया ना अगला,
इसका वैसे इसका एवरेज एज भी इतना होगा, इसका एक्चुअल एज भी इतना होगा, क्यों? क्योंकि ये इकलौता आदमी है, तो 75 आ गया इस आदमी का एज। वही हमसे पूछा है गेस्ट का एज कितना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, लेकिन मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज इतना, द एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीसियन इज इतना, एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट इज इतना। तो मुझे देखो ये बात पता है कि जो टोटल है सब सारे एम्प्लॉयज का जो एवरेज सैलरी वो 14,000 है, जो टेक्नीसियन है उनका जो एवरेज सैलरी वो 18,000 है, और जो बच गए उनका जो एवरेज है वो इतना है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, मैं डिफरेंस लेता हूँ। तो यहां से मुझे दिख गया डिफरेंस 800, और यहां से मुझे डिफरेंस दिख गया वो 4,000 का दिख गया, मुझे 1:5 दिख गया। ये टेक्नीसियन थे, ये जो अदर एम्प्लॉयज थे, तो मुझे पता है ये जो टेक्नीसियन थे वो 5 थे, मतलब ×5 कर दिया मैंने, तो इसका भी ×5 कर दूंगा, जो अदर मेंबर हैं 25 हो जाएंगे। मुझसे टोटल पूछा था 25 5 = 30, तो 30 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन है यार, इन लोगों को 25 25 भी देना चाहिए, 25 भी देना चाहिए और 1 5 भी देना चाहिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो, क्लास 10th जो है उसमें 40 बच्चे हैं, 2 का साइंस टेस्ट, जो साइंस टेस्ट देते हैं, 30 स्टूडेंट हैड एन स्कोर एवरेज स्कोर ऑफ 95, द अदर स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर स्कोर ऑफ 85, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल क्लास। इसको मैं एलिगेशन से नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यू मुझे काफी ईजी दिख रही है, एलिगेशन से आपको ज्यादा टफ भी पड़ेगा, तो इसको हम बेसिक से करते हैं। एलिगेशन से बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। तो एलिगेशन से मुझे पता है 30 बच्चों का जो एवरेज स्कोर है 95 है, जो अदर 10 बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर 85 है, तो यहाँ पे मैं मान लूंगा एक्स, तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा 90 - x, यहाँ पे मुझे दिख जाएगा 80 नहीं x - 85, और मुझे इनका रेशियो पता है क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 30 बच्चों का एवरेज इतना आया 95 एवरेज स्कोर, तो ये आपका 30 है और ये आपका 10 है, तो आपको 3:1 भी लिख सकते हो। तो आपको पता है ना यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दो सिंपली 3/1, तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे ना। हम बेसिकली सिंपली क्या करेंगे, देखो पहली बात आपको एक चीज और मैं समझा दूं, जब भी आप ऐसे एवरेज एज निकालते हो ना, तो हमें क्या करना है, हमें यही तो करना है कि सबका एवरेज एज सम कर लो, उसको एन नंबर ऑफ मतलब जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 30 स्टूडेंट दिया है और यहाँ पे आपको 10 स्टूडेंट जो बच गए वो 10 हो गए, यहाँ पे आप 10 स्टूडेंट का दिया होगा क्योंकि जो बच गए, 30 का मुझे इतना दिया है और 10 का मुझे इतना दिया है, तो मैंने इसका रेशियो भी ले सकता हूँ। आपको इसको 3:1 मान लो कि 3 लोग का एज इतना है एवरेज स्कोर, और जो एक है उसका एवरेज स्कोर इतना है, तो आप देखो 30 × 95 + 1 × 85 डिवाइड बाई कितना कर दूंगा, मैं डिवाइड बाई 4 कर दूंगा क्योंकि 3 और 1 4 हो गए, तो आप यहां से इसका आंसर निकाल लो, आपका आसानी से आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर क्लास इज 17 ईयर एंड देयर क्लास टीचर इज 17 ईयर, इफ द एज ऑफ द क्लास टीचर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज रिड्यूस बाई 2। ठीक है, तो आपको देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत आप ध्यान से समझो कि एलिगेशन हम लगा कैसे सकते हैं, जुगाड़ ढूंढो ना इसको। देखो टोटल का मुझे दिया है, जो बच्चे हैं और जो क्लास टीचर हैं उनका जो एवरेज एज है वो मुझे 70 दिया है, और हमसे कह रहा है कि अगर टीचर को हटा दिया जाए ना, सपोज टीचर का एक्स हो गया, क्योंकि जो टीचर है और जो 10 बच्चे हैं ना, 10 बच्चे इनका मिला के ही तो एवरेज एज जितना है, तो मैंने टीचर का मान लिया एक्स है। अब कह रहा है जब बच्चों का एवरेज लेंगे, टीचर को हटा दिया, तो जब बच्चों का जो एवरेज एज आ रहा है, एवरेज एज की बात हो रही है ना, वो 2 से घट जा रहा है, मतलब 17 से वो 15 हो जा रहा है, तो ये आपके 10 बच्चे हैं, तो आप यहां से ऐसे ले लो, तो आपको पता है ये 17 - 15 हो रहा है, तो आप यहाँ पे x - 17 लिखोगे क्योंकि ये ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको इसको ऐसे डायरेक्शन में लिखना, तो x - 17 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे। और आपको एक चीज और बताना है, ये आ गया रेशियो, ये किसका रेशियो आया है, यहाँ पे जितने बच्चे और यहाँ पे जितने टीचर हैं, तो आपको पता है टीचर तो एक ही है और बच्चे 10 हैं, तो 10:1 ही तो आ रहा है भाई, इतना ही तो आ रहा है, तो ये ×2 हुआ है, तब 2 आया है, तो इसका भी ×2 करोगे तो आपका 20 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी ये दी हुई है, तो 20 = x - 17, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 37 आ गई, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बेसिक तरीके से भी करके बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, देखो हम करते क्या है, बेसिकली इस तरीके से सोचना कि ये जो एवरेज एज दिया है ना इनका, ये समझ लो टॉफी है सबके पास ना, ये सबके पास टॉफी, इतनी इतनी टॉफी है, टॉफी वाला एग्जाम्पल मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टॉफी है।
तो कह रहा है कि 10 बच्चे और एक जो टीचर है, इनके पास जो टॉफी है, 17 17 टॉफी सबके पास है, सबकी एज 17 है, इसका अंदाजा लो कि 17 17 टॉफी सबके पास है। अगर टीचर के पास, जो टीचर को हटा दें, तो जो बच्चों के पास, एक एक बच्चे के पास जो टॉफी है वो 15 15 टॉफी हो जाती है। ये तो कह रहा है 15 2 घट जाता है तो 2 टॉफी घट जाती है, मतलब 15 15 टॉफी हो जाती है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो 10 बच्चे हैं ना, ये आपके 10 बच्चे हैं, इनके पास जो टॉफी है सबके पास वो 15 15 15 15 टॉफी है। लेकिन अगर इसमें टीचर को इंक्लूड कर देता हूँ, जो एक टीचर है उसको अगर इंक्लूड कर देता हूँ, तो इन सभी के पास जो टॉफी हो जाती है वो 17 17 17 17 हो जाती है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज लिए ना, हमने क्या किया कि सबकी टॉफी पकड़ के सब में बांट दिया, तो सबके पास अब 17 17 टॉफी है, लेकिन शुरू में तो 15 15 टॉफी है। तो इसका मतलब ये कि जो टीचर आया है ना, उसके पास टॉफी काफी ज्यादा थी, जो सबको इसने बराबर बराबर बांट दिया, तो सबके पास 17 17 हो गई। ठीक है, तो मैंने मान लिया क्योंकि हमारा नया जो टीचर को मिला के जो एवरेज टॉफी है वो 17 है, तो मैंने मान लिया टीचर के पास 17 टॉफी तो होंगी ही, साथ में जो एक्स्ट्रा टॉफी है उसी टॉफी को तो इसने सब में बांट दिया, तो प्लस इसके पास समझ लो एक्स टॉफी और होंगी, इसके 17 टॉफी है प्लस एक्स टॉफी और होंगी। ठीक है, और जो एक्स टॉफी है इसके पास, इसने 2 2 टॉफी तो सबको दी, सबके पास 15 15 टॉफी है, तो सबको इसने 2 2 टॉफी दिया होगा, तो सबके पास अब 17 टॉफी है, सबके पास 17 टॉफी है अब। ठीक है, तो इसने 2 2 टॉफी 10 लोग को ही तो दिया होगा, तभी तो भाई आखिर यहाँ पे सबके पास 15 टॉफी है, 10 लोग हैं, तो 10 लोग को अगर 2 2 टॉफी दे दे तो अब सबके पास देखो 17 17 टॉफी हो गई है सबके पास। तो आपको पता है अगर इसको 10 लोग को 2 2 टॉफी देने, तो इसके पास 20 टॉफी और होनी चाहिए, मतलब 17 टॉफी तो इसके पास है, साथ में ये जो 20 टॉफी और होनी चाहिए, तभी तो ये 20 टॉफी इन सबको बांट पाएगी। तो मतलब जो इसके पास टॉफी होगी वो 17 प्लस 20 की टॉफी होगी, मतलब 37 टॉफी होगी इसके पास, मतलब इसकी एज जो है वो 37 है। मैं टॉफी इसलिए लिया ना जिससे आपको थोड़ा समझाने में आसान है, थोड़ा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझाने में आपको आसान रहा, इसलिए मैंने ये आपका टॉफी वाला एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको और बेसिक से करा दे रहा हूँ ना, उसके बाद हम बाकी आगे बढ़ेंगे अगले टाइप पे। तो मुझसे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज 50 kg, मतलब एक बास्केट है जिसको मैं ऐसे लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ ना, तो यहां से यहां तक जितने एप्पल, मैंने ऐसा मान लिया कि यहां से यहां तक ऐसे एप्पल रखे हुए हैं, ऐसा मैं मान लेता हूँ ना, ऐसे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे लिए आसान पड़ता है ऐसे लाइन ड्रॉ करना, तो आप भी ऐसा सीख लो अगर आपको हेल्प लगे मिले तो। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितने एप्पल रखे हुए हैं सबका जो वेट है वो 50 kg है। वैसे बहुत ज्यादा, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, आखिर एक एप्पल का वेट 50 kg कैसे हो सकता है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो सबका वेट 50 kg है। अब मैंने क्या किया, 6 और एप्पल आए जिनका वेट 60 kg है। ठीक है, तो ये एप्पल हम लोगों को खरीद के लाना पड़ेगा भाई, 60 kg का एप्पल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो 6 एप्पल हैं, इन छयों का वेट जो है 60 60 60 है। वैसे आपको पता है ये एवरेज की बात हो रही है, लेकिन मैं ऐसा मान लेता हूँ कि सबका 60 60 60 60 है। ठीक है, तभी तो एवरेज 60 भी हो जाएगा। ठीक है, सबका 60 60 60 है। अब हमसे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ द बास्केट इज इंक्रीज बाय 5 kg, मतलब अगर इस पूरे का मैं लूं, जब ये 6 को मैंने ऐड किया जिनका एवरेज वेट 60 था, तो अब इन सबका जो एवरेज वेट है वो 55 हो गया है। तो ये 55 कैसे हो गया है? क्योंकि ये जो 6 का 60 है, मतलब ये इनका जो एवरेज वेट है वो ज्यादा ज्यादा है, वही ज्यादा ज्यादा सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो सबका 55 आ गया है। आप इसको टॉफी की तरह भी कंसीडर कर लो। टॉफी का मतलब क्या है, सबके पास 50 50 टॉफी थी, यहां पे सबके पास 60 60 टॉफी थी, अब सबके पास 55 55 टॉफी हो गया ना, सबके पास अब 55 55 टॉफी हो गई है। तो 55 55 टॉफी कैसे हुई है? देखो आपको पता है यहाँ पे 6 लोग हैं, यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया ना कि इन सबके पास मैंने 55 55 टॉफी दे दी इन सभी को, थोड़ा मैं इसको 60 को ऊपर लिख दूं, तो मैंने इन सभी को 55 55 टॉफी दे दी, 6 लोग को 55 55 टॉफी दे दी, तो आप दिख रहा है अब सब में से 5 5 टॉफी बच जा रही है। देखो ऐसे सब में से 5 5 कितनी टॉफी बचेगी, 6 लोग हैं, 1 लोग 5 टॉफी एक्स्ट्रा है, तो टोटल 30 एक्स्ट्रा टॉफी है। अब ये 30 एक्स्ट्रा टॉफी है ना, वही इसमें बटी है, जो यहां से यहां तक लोग थे इसमें बटी है, तभी इन पूरे का एवरेज 55 आया। अच्छा कैसे 55 आया? देखो इनका तो मैंने 55 55 55 कर दिया, अब इनका भी 55 55 कर देना है सबका, तो सबका एवरेज है फिर 55 हो जाएगा, ऐसे तो हुआ। तो जो 30 एक्स्ट्रा टॉफी है वही मैं बांट रहा हूं, और कितना कितना बांट रहा हूं आप ये बता दो, जब सबका यहाँ पे 50 50 है, 50 50 ही तो है टॉफी सबके पास, तो सबको मैं 5 5 टॉफी तो बांट रहा हूँ, और मेरे पास 30 टॉफी है, तो मैं कितनी टॉफी बांट पाऊंगा? सबको मैं 5 5 टॉफी बांट रहा हूँ, तो मैं 6 लोग को ही 5 5 टॉफी बांट पाऊंगा, मतलब यहाँ पे जो है वो 6 एप्पल ही थे मेरे पास। ठीक है, मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। यहां से यहां तक मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 50 kg है,
फिर मैं 6 नए एप्पल ऐड कर देता हूँ जिनका जो एवरेज वेट है 60 kg है। तो आपको दिख रहा है कि ये 50 से कितना, और सबका इन पूरे का जो एवरेज वेट है वो 55 kg है। तो मैंने क्या किया, इन सबका 55 मान लिया, तो मेरे पास कितना एक्स्ट्रा बच गया, सब में से 5-5 एक्स्ट्रा बच जा रहा है, मतलब 6-25 30 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। और ये जो 30 है, 30 में इनमें बांटूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक एक को कितना दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सबका एवरेज 55 हो गया, मतलब ये भी 55-55 होना, इनको भी 55-55 होना पड़ेगा। तो मतलब सबको मैं 5-5 दे दे रहा हूँ, तो कितने को मैं 5-5 दे पाऊंगा, क्योंकि जितने को मैं 5-5 दे पाऊंगा उतने ही लोग तो यहाँ पे हैं, तो मैं सबको 5-5 दे रहा हूँ, तो 6 लोग को मैं 5-5 दे पाऊंगा, मतलब यहाँ पे 6 लोग को जब मैं 5-5 दे दूंगा तो अब सब 55 हो चुके हैं, तो मेरा एवरेज पूरा 55 आ चुका है, तो यहाँ पे 6 लोग ही होंगे, तो 6 एप्पल ही होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, तो ये तो मेरा हो गया आंसर, ऐसे हम करेंगे, बेसिक तरीका है, ठीक है। वैसे इससे बेसिक भी तरीका है जो हम बिल्कुल मल्टीप्लाई करके अपना समूह करते हैं, वो वाला तरीका मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, समझ रहे हो ना, वो तरीका बहुत ही मतलब नहीं करना है, ठीक है। अब एक बात और जान लो, आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व करा दूँ, जब भी आपको कुछ कुछ आपको एवरेज वेट दिया हो इतने लोग का, यहाँ पे इतने लोग का एवरेज वेट दिया हो, और यहाँ पे अगर गलती से मिड पॉइंट आ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया अगर, तो मुझे दोनों जगह फिर बराबर बराबर ही लोग होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, जो पहले आपका जो था वो 50 था, जो नया था, नए आपने एप्पल ऐड किया उसका 60 था, दोनों का मिला के 55 हो गया। तो देखो ये मिड पॉइंट हो गया, तो जितने एप्पल इधर होंगे, जितने एप्पल इधर होंगे उतने ही एप्पल इधर होंगे, तो इधर 6 एप्पल थे तो इधर भी 6 ही एप्पल होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया जो मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूं, एक मैंने क्वेश्चन किया ना 70-30 वाला। हाँ देखो यहाँ पे, देखो क्या है, देखो यहाँ पे कुछ जो पास हुए उनका जो एवरेज था वो 70 था, जो फेल हुए उनका 30 था, और जो टोटल था उनका इतना था 50। तो आप देखो ये 70-30 का मिड पॉइंट 50 आ रहा है, समझे, क्योंकि ये टोटल का है, तो टोटल का जो आ रहा है वो मिड पॉइंट आ रहा था, मतलब जितने बच्चे पास हुए उतने बच्चे फेल भी होंगे, ठीक है। तो अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ देख लिया है ना, मैं आपको एक और बता दे रहा हूँ, बेसिकली एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एवरेज का मतलब होता क्या है, कि कोई भी चीज़ है ना हम सब में बराबर बराबर बांट रहे हैं, बस यही समझ लो, कि क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर निकालना है, तो हम सब में एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं कोई भी चीज़ है, और मैंने बता दिया सब सबके पास बराबर बराबर है, तो जो वैल्यू होगी किसी भी एक बंदे के पास जो वैल्यू होगी वही मेरा एवरेज होगा, समझ लो। ऐसे ही हम क्वेश्चन करते हैं सबको, मेरा जो मोटिव यही है कि हमको सबको बराबर बराबर बांटना है, वो बराबर बराबर बांटने के तरीके बहुत ही अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझो, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कि 36 नंबर्स का जो एवरेज है वो 45 है, मतलब 36 नंबर है सबके पास 45 45 45 45 वैल्यू है, सबकी 45 45 वैल्यू है, ठीक है। लेटर इज वॉट डिटेक्टेड डैज 84 वॉज मिसरीड एज 48, इसका मतलब क्या है, कि बाद में मुझे ऐसा पता चलता है कि जो 84 था, 84 को गलती से 48 पढ़ लिया जाता है, मतलब जो आपके पास एक नंबर था 84 आपने गलती से उसको 48 पढ़ लिया, ठीक है, मतलब आपने कुछ कम काउंट किया, ठीक है। तो आपने कितना कम काउंट किया, आपने यहां से 36 कम काउंट किया है, ठीक है, मतलब आपको 36 वैल्यू और लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने अब 36 वैल्यू कम ली है, जिसकी वजह से आपका एवरेज है सबके पास 45 45 आया है। अब कह रहा है कि अगर आप गलत नहीं पढ़े होते तो ओरिजिनल जो एक्चुअल एवरेज आपका एवरेज आना चाहिए वो कितना आता। अच्छा एक बार बताओ, अभी सबके पास 45 45 है, और मैंने आपको क्या बताया, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सब कुछ इक्वली सबके पास इक्वल इक्वल बांट देना है आपको, मतलब आपके पास सपोज कुछ पैसा है या कुछ आपके पास टॉफी है, सबको आपको बराबर बराबर बांट देनी है। तो आप ऐसे सोच लो कि मैंने 36 टॉफी कम काउंट की थी, समझ रहे हो, 36 टॉफी मैंने कम काउंट की थी, तो अगर मैं 36 टॉफी काउंट नहीं करता तो यहाँ पे एवरेज कितना आता, यही आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप 36 काउंट नहीं करते तो आप ये 36 जो है उसको भी तो बराबर बराबर बांट देते सब में, तो इसको आप अगर बराबर बराबर बांटते सब में तो एक को कितना मिलता, आपको पता है टोटल 36 लोग हैं और 36 टॉफी है, तो सबको एक एक टॉफी और मिल जाती, तो एवरेज एज आपका 45 से 46 हो जाता, तो वही आपका आंसर है, 45 से आपका 46 हो जाएगा, वही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो कह रहा है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 19, मतलब सभी 25 बच्चे के सभी के भी नंबर 19 19 19 है। अच्छा ऐसा मैंने माना, ऐसा एक्चुअल नहीं है, ऐसा मैंने मान लिया कि सबके पास 19 19 नंबर है सबके पास। अब हमसे कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन वॉज कैलकुलेटेड टू बी 19,
लेटर द टीचर रियलाइज दैट द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 रिस्पेक्टिवली इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। इसका क्या मतलब है कि दो बच्चे ऐसे थे जिनका जो नंबर था 14 और 15 था, 14 और 15 था, लेकिन मैंने गलती से उनका जो नंबर है वो 18 और 19 काउंट कर लिया, मतलब मैंने ज़्यादा काउंट कर लिया है, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, वरना एस की वैल्यू थोड़ी कम आनी चाहिए थी। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैंने गलती से इनका नंबर ज़्यादा काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे इस वजह से ये वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल सही काउंट करता ना, 14-15 काउंट करता तो ऑब्वियस है इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आती, सबको थोड़ा थोड़ा कम मिलता। तो आप देखो यहाँ पे प्लस चार यहाँ पे और प्लस चार यहाँ पे, मतलब मैंने टोटल 8 ज़्यादा काउंट कर लिया है, ठीक है। अच्छा 8 मैंने ज़्यादा काउंट कर लिया है, तब मेरा ये आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ निकालना, सब में से निकालना पड़ेगा, वो 8 जो टोटल वैल्यू है ना, सब में से मैं थोड़ा थोड़ा निकालूंगा तो मेरी 8 वैल्यू निकल जाएगी टोटल। तो आपको पता है आपको ये 25 लोग में से 8-8 वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड बाय 25 कर दोगे, वैसे माइनस होगा क्योंकि आपने ज़्यादा काउंट कर दिया, आपको कम काउंट करना चाहिए था, वैसे ऐसे ही मान लो, कुछ भी मान लो ना, इसको 8 ही रहने दो। तो आपका यहाँ पे आपका क्या जाएगा 0.32। तो आप सब में से अब 0.3232 निकालो, क्योंकि आपको ये 8 नंबर निकालना है, इस पूरे में से आपको ये 8 नंबर निकाल लेना है, 8 नंबर, समझे। और ये एवरेज है, भी बात है, ये एवरेज है, तो 8 आप निकाल रहे हो सब में से, ऐसा निकालो कि 8 निकल जाए, तो आप सब में से अगर 32 निकालोगे 0.32 तो आपका 8 निकल जाएगा। तो बस ये आपको इसमें से 0.32 माइनस कर देना है, तो आपका, क्योंकि आप एक में से, जो एक में से हर बच्चे से 0.32 निकाल रहे हो ना, हर बच्चे में से, और एक बच्चे का 19 है, तो आपका ये आ जाएगा 18.68, तो ये आपका 18.68 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अ स्टूडेंट्स मार्क्स वर रॉन्गली इंटर्ड एज 65 इंस्टेड ऑफ 45, ठीक है। कह रहा है एक किसी बच्चे का जो नंबर था वो 45 था, लेकिन गलती से 65 मैंने वहां पे लिख दिया, 65 लिख दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सबका जो, अच्छा एक बात बताओ, जो 20 नंबर एक्स्ट्रा आया है, जो 20 नंबर एक्स्ट्रा आया है, आपको देखो कुछ उन बच्चों का एवरेज होगा, एक बच्चे का जो नंबर मैंने 20 ज्यादा काउंट कर लिया, तो वो 20 जो है एक्स्ट्रा काउंट हो गया गलती से, वो तो सब में बटा होगा ना, बराबर बराबर सब में बटा होगा, तो ये 20 नंबर जब सब में एन नंबर ऑफ लोग में बट गया, तो इसी जो 20 नंबर है ना, इसी की वजह से आपका सब में 1/3 इंक्रीज हो जा रहा है, इसी 20 नंबर की वजह से। तो 20 नंबर जब एन लोगों में बटा, तो सब में 1/3 इंक्रीज हो गया, तो एन की जो वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ लोग की, वो 60 हो जाएगी। तो सर ये पूछा कितने बच्चे हैं, ठीक है। देखो द एवरेज वेट ऑफ 32 स्टूडेंट्स इज 70 kg ना, 70 kg। द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास बिकम 17.5 kg, कैलकुलेट द वेट ऑफ द टीचर। वैसे आपको ये आप एलिगेशन से करो और आंसर बताओ, एलिगेशन से करके आंसर बताओ, बाकी मैं इस तरीके से भी आपको करके बता दे रहा हूँ, इस तरीके से कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, आप देखो ध्यान से, देखो बहुत ही ध्यान से देखना, मुझे पता है मैं सबको बराबर बराबर दे रहा हूँ, ये बात तो आपको समझ में आ रही है ना। देखो 32 बच्चे हैं, यहाँ से यहाँ तक 32 बच्चे हैं, जिनका सबका जो एवरेज वेट है 70 है। इफ़ द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, मैंने ऐसा मान लिया ना कि जो टीचर इंक्लूड किया हूँ, मैं ऐसा मान लेता हूँ ये जो टीचर मैंने इंक्लूड किया है, पहले तो एक टीचर है, इसका भी जो वेट है वो 70 होगा, वो प्लस समथिंग होगा, प्लस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, तो भाई ये जो एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा है इसी वजह से एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सिंपली माना कि इसका एवरेज वेट 70 प्लस एक्स होगा, ठीक है। अब हमसे कह रहा है जो एवरेज वेट है वो अब 17.5 हो जा रहा है, मतलब ये सबको, देखो यहाँ पे सबका एवरेज वेट 70 है, सबका एवरेज वेट 70 है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी लोग हैं सबका एवरेज वेट 70 है, सबका टीचर का भी 70 है, लेकिन अभी जो 0.5 है ना, ये सब में और बट जा रहा है, और यहाँ पे हैं कितने लोग, 33 लोग है ना। अच्छा, जो 0.5 सब में बट रहा है, किसकी वजह से बट रहा है, क्योंकि इसकी एवरेज 70 प्लस एक्स है टीचर की, तो जो एक्स है ना, इसी वजह से हमारा वैल्यू जो है ना सब में, ये जो एक्स है ना, ये सब में बटेगा बराबर बराबर, और सब में बट कितना रहा है, ये 0.5 बट रहा है, कितने लोग में 0.5 बट रहा है, टोटल 33 लोग है, क्योंकि ये खुद को भी दे रहा है अब थोड़ा सा, क्योंकि सबका अब 17.5 हुआ ना, मतलब खुद को भी ये 0.5 दिया है और सबको 0.5 दे रहा है, तो 33 लोग को 0.5 देने में इसकी हालत जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसको कर दो कितना हो जाएगा, ये इसको हाफ कर दो, तो ये आपका 16.5 हो जाएगा। तो ये जो 16.5 है ये एक्स की ही वैल्यू है, तो आपका यहाँ से 86.5 आ जाएगा उस टीचर की एवरेज वेट। ये आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ही कम समय लगेगा अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो तो, ठीक है। देखो द एवरेज ऑफ एन क्वांटिटीज इज पी एंड द एवरेज ऑफ एम क्वांटिटीज इज क्यू,
मुझे बताना एवरेज एम प्लस एन क्वांटिटी का बताना। तो मुझे पता है देखो एन लोगों का पी है तो टोटल टोटल इतना हो जाएगा, एम लोगों का क्यू है तो टोटल इतना हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा ना, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एन क्वांटिटीज इज पी, मतलब एन क्वांटिटीज का सबके पास पी पी है, तो मैंने टोटल निकाला तो टोटल एन इंटू पी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टोटल निकाला एम अपॉन पी हो जाएगा, एम अपॉन एम इंटू क्यू हो जाएगा, और मुझे डिवाइड कर देना है टोटल क्वांटिटीज से। टोटल क्वांटिटीज कितनी थी, एन और एम, एम प्लस एन। तो ये मेरा हो गया एवरेज, यहाँ से मेरा एवरेज निकाल दो तो ये वाला आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है एक बार देख लो, एन के साथ पी है, एम के साथ क्यू है, गलती मत कर देना जैसे मैंने कर दिया, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है हाँ, देखो द मीन ऑफ थ्री नंबर्स ए बाई थ्री बी और इतना इज सेम एज द मीन ऑफ द थ्री नंबर इतना, मतलब आपसे कह रहा है ए बाई थ्री, अच्छा मीन और एवरेज एक ही होता है, बी प्लस सी इसका मीन ये हो जाएगा, ये आपका बराबर है बी बाई थ्री सी बाई थ्री प्लस एक्स, इसके बराबर है इसके मीन के, तो इसका कोई मतलब था नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबको, तो ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस थ्री एक्स। और आपसे पूछा क्या है, थ्री एक्स की वैल्यू पूछा, तो मैं इसको इधर रहने दूंगा, बाकी सबको मैं इधर भेज दूंगा, तो ए प्लस टू बी प्लस टू सी मेरा आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है अब देखो, देखो द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फादर एंड मदर इज इतना, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ मदर एंड हर सन इज इतना, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ फादर एंड हिज सन इज इतना, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ द फादर। तो हम क्या करेंगे, हमें एवरेज दिया है ना, हम टोटल मान के चलेंगे कि जो फादर और मदर का जो इनकम है, इनकम टोटल इनकम, क्योंकि यहाँ पे एवरेज 5,000 था, यहाँ पे दो लोग हैं तो इन दोनों का 10,000 हो जाएगा। ठीक है मदर फादर का मिला के जो एवरेज है इनकम, एवरेज नहीं, जो मदर फादर का मिला के इनकम है वो 10,000 हो जाएगा। ऐसे ही मदर और सन का जो इनकम है वो 12,000 हो जाएगा, क्योंकि 6,000 तो एवरेज है ना, दो लोग हैं तो टोटल 12,000 हो जाएगा। ऐसे ही फादर और सन का जो है वो 20,000 हो जाएगा, तो इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे टू मदर फादर सन आ जाएगा, टू मदर फादर सन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि तो सब एक एक बार रिपीट हो रहा है ना। और इसका आप इधर देख लो तो 20, 30, 42, तो 42,000 आ जाएगा। तो मुझे मदर फादर सन का निकालना है तो यहाँ पे 21,000 आ जाएगा। तो ये मदर फादर सन का जब मैं ऐड कर दूंगा सैलरी तो मेरी इतनी आ जाएगी, मुझे बताना किसका है, मुझे फादर का बताना है, तो मैं मदर और सन का माइनस कर दूं सैलरी तो मेरा फादर का जाएगा, इसमें मैं 12,000 माइनस कर दूं तो 9,000 आ गई सैलरी किसकी, फादर की, तो 9,000 सैलरी फादर की आ जाएगी। अगला देखते हैं, देखो वही चीज़ मैंने बताया आपको, जो भी एक्स्ट्रा है मैं सब में बराबर बांट दूंगा, वही मेरा एवरेज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है पी कॉलेज है, पी कॉलेज है जिसमें 180 स्टूडेंट्स हैं, इन सभी का जो एवरेज मार्क्स है वो 88 है। ठीक है यहाँ पे क्यू कॉलेज है जिसमें 320 स्टूडेंट्स हैं और सभी का एवरेज मार्क्स है वो 72 है, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द कॉलेज ऑफ कॉलेज टुगेदर। अब इन दोनों का मिला के एवरेज मार्क्स बताना है कि बच्चों का कितना है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया सिंपल सा कि हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबको बराबर बराबर बांट देंगे, सबको मैं बराबर बराबर बांट दूंगा, बस यही मेरा काम है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया ना, सबको पहले बात तो मैंने सबको यहाँ पे देखो 320 लोग के पास 72 72 है, 180 लोगों के पास 88 है, तो मैंने क्या किया ना सबको, क्योंकि इसके पास 72 है तो मैंने सबको पहले बराबर 72 72 सबको बराबर दे दिया। अच्छा एक बात बताओ आपको, तो यही निकालना है ना कि एक, जब मैंने बराबर बराबर बांट दिया तो एक बंदे के पास कितना है, यही तो हुआ ना, या सारे बंदों के पास कितना कितना है, वही आपका एवरेज हो गया। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने सबको 72 72 बांट दिया, सबको मैंने 72 72 72 72 सबको मैंने बांट दिया। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आप देखो कि इनको भी मैंने 72 72, ये 180 लोग जो हैं इनको भी मैंने 72 72 ही बांटा है, तो अब इनके पास एक्स्ट्रा कितना बचा है, इनके पास एक्स्ट्रा 16 बचा है, हर आदमी के पास 16 बचा है, हर आदमी के पास 16 एक्स्ट्रा बचा है और टोटल 180 है, तो इतना तो एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है अब आप देखो इतना मैंने अपने पास रख लिया और बाकी मैंने सबको 72 72 बांट दिया, यही तो है, सबको मैंने 72 72 बांट दिया, ये एक्स्ट्रा जो बच गया भाई ये भी तो मैं सबको ही बांटूंगा, सबको बराबर बराबर बांटना है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा बच गया है इसको मैं सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। तो सब कितने सब हैं यहाँ पे, 320, 400 और 500 लोग हैं, तो 500 को मैंने बांट दिया बराबर बराबर। अब यहाँ से आप कर सकते हो सॉल्व खुद से भी, तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो ये आपका 180, 108, 288 बटे 50, तो 5 से पहले काट दो, 5 25 5 25 25 29 7 6, तो 5.76 आ जाएगा। तो आपको वैसे दिख रहा है अगर 76 आ गया है तो
कर लेते हैं वैसे। अच्छा यहाँ से आपका देखिए 7-6 एक ही में है तो आपका ये बार 7-6 आ जाएगा, वैसे भी आपको दिख रहा है 7-6 ऐड कर दो तो आपका ये आ गया। तो मैंने क्या किया, सबको मैंने बराबर बराबर बांट दिया, वही तो किया। अगले आगे आप देखो, इसको वैसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी डेविएशन बताऊंगा कि हम कैसे डेविएशन करेंगे। देखो 7 पेपर है जिनका 100 मार्क्स ईच है सबका, 3 पेपर मैथमेटिक्स के हैं, 2 इंग्लिश के हैं और 2 हिंदी के हैं। अब डी जो है वो 45 नंबर पा रहा है मैथ्स में एवरेज, मतलब तीनों को मिला दो तो 45-45 पा रहा है, और हिंदी में वो पा रहा है, इंग्लिश में सॉरी इंग्लिश में पा रहा है 55-55 और इसमें 60-60 पा रहा है। मुझे बताना है कि एवरेज बता दो। तो मैंने आपको क्या कहा, मैं सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। वैसे आप इसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो, 45 × 3 + 55 × 2 + 60 × 2 / 7 क्योंकि 7 पेपर है तो आपको दिख रहा है 135 + 110 + 120, तो 120 110 आपका कितना हो जाएगा 230, और 230 में जब आप 135 ऐड कर दोगे तो 230 330 365 365 / आप कर दोगे 7 तो आपका 5 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं आपको डेविएशन बता रहा हूँ, सॉरी एक डेविएशन बता रहा हूँ तो बस आपको, इसलिए आपको ये तरीका मैं और बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको सबसे पहले तो 45-45 बांट दिया क्योंकि 45 सबसे कम है। वैसे आप 45 भी मान सकते हो या कोई ऐसी वैल्यू मान सकते हो ना जो थोड़ी साफ सुथरी हो, जैसे अगर 79 80 81 भी आती है तो मैं 80 को मान लूंगा क्योंकि 80 बहुत ही साफ सुथरी वैल्यू है, समझ गए। ऐसे तो मैंने सबका जो मैंने सबको 45-45 बांट दिया, यहां से वहां तक 7 लोगों को मैंने 45-45 बांट दिया, तो मैंने 45-45 सबको बांट दिया। अब जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो मैं सबको बांट दूंगा बराबर बराबर। तो एक्स्ट्रा कितना बचा, तो कि यहाँ पे इनके पास 10-10 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे 2 लोग हैं तो 20 एक्स्ट्रा बच गया है, प्लस इनके पास 15-15 एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे कितने लोग हैं 2 लोग हैं, मतलब 30 एक्स्ट्रा बच गया है, टोटल 50 एक्स्ट्रा बच गया है। 7 लोगों में बांट दूंगा, 50 जो एक्स्ट्रा बच गया वो टोटल लोगों में बांटना है, तो मैंने 7 लोगों में बांट दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 45 + 50 / 7 जो कि आपका 7.1 समथिंग आएगा, तो आपका दिख रहा है 52.1 समथिंग आप जाएगा, अभी भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, आपको एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बताना है, इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं लगेगा, आपको सिंपल 32 से 69 के बीच में एवरेज नंबर देखना है कितने होंगे, उन सभी का सम और डिवाइड बाय जितने नंबर होंगे, तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लो। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 ग्रुप हैं जिसमें जो ए ग्रुप है उनका जो एवरेज वेट वो 12 है, जो बी ग्रुप है उनका एवरेज वेट 24 है, और जो रेशियो है 1:2 में है, तो मुझे एवरेज बताना है इनका। तो मैं सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बेसिकली क्या करूंगा, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ इसमें ऐसे ही कर लो ना, कि जो 1:2 दिया है ना, मैं मान लूंगा कि एक आदमी यहाँ पे और 2 आदमी यहाँ पे, तो एक आदमी यहाँ है तो 12 हो जाएगा, यहाँ पे 24 24 के 2 आदमी है तो टोटल जो वेट है आपका 48 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर दूंगा तो 60 / 3 कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 20, तो 20 मेरा करेक्ट आंसर आ गया, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। हाँ ठीक है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर इज, तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, अगर सिर्फ जैसे स्क्वायर होता तो हम उसका सीरीज का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, लेकिन इवन नंबर है तो हम बेसिक से कर लेते हैं, देखते हैं कितना जाता है, 2 का 4 क्योंकि फर्स्ट बताना है ना, तो 2 का 4 16 36 64 100, तो आपको दिख रहा है ये 100, ये 200 और ये 220, 220 और 5 है तो 44। ठीक है, इतनी आसानी से हो गया, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 6 गर्ल, 6 लड़कियां हैं जिसका सबका एवरेज एज एक्स, मतलब आप ध्यान से समझो ना कि सबका जो एवरेज एज है ना वो XXXXXX ऐसे है, सबका XXX है। ठीक है, अब कह रहा है 4 न्यू गर्ल्स हैव एजेस ऑफ X-2X + 4X इतना इतना ज्वाइंस द क्लास, वॉट इज द न्यू एवरेज एज ऑफ द गर्ल। मैंने क्या किया, पहले तो मैं सबको XXXX बांट दूंगा, सबको XX चला गया। अब जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो मैं क्या करूंगा, वो मैं सब में बांट दूंगा, ये तो करता हूं मैं, मुझे एवरेज निकालना है सबका, तो मैं सबको बराबर बराबर बांट दूंगा। तो मैंने सबको पहले एक्स दे दिया, सबको एक्स दे दिया, अब देखते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा है। तो यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे कम हो गया, -2 + 4 मतलब +2 बच जाएगा, इसका ओवरऑल लूंगा तो +2 बच जाएगा एक्स्ट्रा, +8 मतलब +10 बच गया एक्स्ट्रा, +10 मतलब +20 एक्स्ट्रा बच गया, मतलब ये जो 20 है ये मैं सब में बराबर बांट दूंगा। कितनी लड़कियां हैं, 6 यहाँ पे थी, 4 और ज्वाइन की, मतलब 10 लड़कियों में मैं 20 को बराबर बराबर बांट दूंगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे X+2 मेरा एवरेज वेट आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना, इसको आप ऐसे ही कर दो, इसको बेसिक से ही करना है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। 2300 मंथली सैलरी है जो कि
4 महीने कमा रहा है 2300, फिर 1800 रुपये वो अगले 8 महीने कमा रहा है, फिर 12 400, सॉरी नहीं, तो 8 4 12 महीने तो हो ही गए यहाँ पे, और वो इतना रुपये बचा ले रहा है, सेव कर ले रहा है, ठीक है। तो इतना तो उसने खर्च, इतना क्या है कमा रहा है क्या, स्पेंड, इतना उसने पहले 4 महीने खर्चा किया, इतना उसने अगले 8 महीने खर्चा किया, और इतना रुपये वो साल भर में बचा रहा, तो ये तो उसकी सैलरी हो गई, तो ये टोटल सैलरी का सम हो गया उसका, एक साल में उसने जितना कमाया इतना ही तो कमाया, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपका यहाँ पे मंथली सैलरी आ जाएगी। तो आपको यही करना है या खुद से कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, हमें सब में बराबर बराबर बांट देना है, यही करना है हमें, और कुछ ज़्यादा करना है नहीं। देखो तो 20 नंबर्स थे उनका, सबके पास 32 32 32 32 था, सबके पास 32 32 मैंने दे दिया क्योंकि वो एवरेज है। अब मैंने क्या किया, 2 नंबर मैंने इसमें से, इफ 2 नंबर्स आर इतना एंड इतना है, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको इसको टॉफी की तरह समझा रहा हूँ ना। तो सबके पास 32 32 टॉफी है, सारे जो यहाँ पे 20 लोग हैं सबके पास 32 32 टॉफी है, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें 2 बंदे बाहर निकल रहे हैं जिनके पास, एक के पास 29 टॉफी लेके निकला है और एक 31 टॉफी लेके निकला है। ये देखो सबके पास 32 32 टॉफी थी, लेकिन ये 29 टॉफी लेके निकला है, 31 टॉफी ही लेके निकला, मतलब इसने कुछ टॉफी वहाँ पे अपनी छोड़ दी, सपोज यहाँ पे उसने थोड़ी सी टॉफी साइड में कहीं रख दी है, तो आप देखो इसने 3 टॉफी रख दी है साइड में, और इसने आपकी 1 टॉफी रख दी है साइड में, मतलब 4 टॉफी ये छोड़ के ये 2 लोग निकल ले रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई ना, सबके पास 32 32 टॉफी थी, ये 2 बंदे निकल गए, ये 4 टॉफी यहाँ कहीं साइड में टेबल पे यहाँ पे रख के चले गए 4 टॉफी। अब आपसे पूछ रहा है जो बच गए उनका जो एवरेज कितना होगा, तो आपको ये 4 टॉफी बचे हुए लोगों में बांट देने हैं। कितने लोग बचे हैं, आपको पता है कि 20 लोग थे, 2 लोग चले गए, तो 18 लोग बचे हैं, मतलब ये 4 टॉफी जो है मैंने 18 लोगों में बांट दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 32 टॉफी थी और ये मैं बांट दूंगा, तो आपको दिख रहा है ये आपका पॉइंट में ही समथिंग आएगा, तो मतलब 32 दशमलव समथिंग ही आएगा, तो आप इसको मान लो कि आपका ये आ जाएगा 32 दशमलव समथिंग, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही मतलब आसान लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, इतना मतलब बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, ये तो प्रैक्टिकल हो गया ना। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 39। देखो 49 बच्चे हैं, सबका एवरेज एज मैंने, एवरेज वेट मैंने 39 39 कर दिया सबका। सेवन ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 40 kg लीव्स द क्लास। देखो अब देखो क्या कह रहा है, अब जो 7 बच्चे ऐसे हैं ना जो जो 40 किलो के हैं, 7 बच्चे ऐसे हैं जो 40 किलो के, वो क्लास से निकल रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे एक एक वेट वो एक्स्ट्रा लेके निकल रहे हैं, क्योंकि सबका 39 था, अब ये 40 वाले निकल रहे हैं, तो एक एक वेट ये लेके निकल रहे हैं, मतलब माइनस करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 7 लोग हैं, तो ये 7 वेट माइनस करके चले जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि 7 जो निकल रहे हैं ना उनका वेट 40 40, मतलब ये एक एक वेट एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो अब जो बच गए ना उसमें से 7 वेट निकल चुका है, समझ गया ना, ठीक है। अब 7 और बच्चे आ रहे हैं जिनका एवरेज वेट 54 है, तो आपको पता है सबका एवरेज वेट 39 था, इनका 54 है, तो इनका कितना एक्स्ट्रा है, मैंने क्या किया, आप ऐसे सोचो ना, ध्यान लगा के बिल्कुल सोचो, सबका ये जो नए आ रहे हैं जो जा रहे हैं सबका मैंने एवरेज वेट 39 ही माना है, शुरू से अंत तक जितने भी लोग की बात हो रही है यहाँ पे सबका मैंने 39 माना है। यहाँ पे 40 लेके निकल गए, मतलब इनका भी 39 ही था, लेकिन ये 7 एक्स्ट्रा लेके निकल गए, मतलब 7 को माइनस कर दिया इन्होंने, तो यहाँ पे मैंने -7 कर दिया। अब जो नए आ रहे हैं ना उनका भी जो एवरेज वेट है वो 39 ही है, ऐसा मैं मान रहा हूँ 39 ही है, लेकिन वो 15 15 एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहे हैं, समझे, 15 15, क्योंकि 54 है ना, 39 से 15 ज्यादा है, तो ये 7 लोग 15 15 एक्स्ट्रा वेट लेके आ रहे हैं, तो जब ये 15 एक्स्ट्रा वेट लेके आएंगे कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, मतलब ये 105 एक्स्ट्रा वेट लेके आएंगे। और एक बात और जान लो आप, सबका वेट 39 है, सबका वेट 39 अभी भी है, क्योंकि मैंने सबका 39 माना है, कुछ मैंने वेट निकाल लिया और कुछ मैंने वेट ऐड कर दिया, और ये जो ओवरऑल वेट है, ये जो ओवरऑल वेट है ये सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मैंने 39 सबका माना है नहीं, मैंने माना सबका 39 है, अब जो एक्स्ट्रा बच गया वो सब में मैं बराबर बराबर बांट दूंगा। तो कितने लोग हैं, पहली बात ये बताओ, 49 लोग हैं, क्योंकि 7 गए थे 7 आए, तो अभी भी 49 है, तो ये 49 में बांट दूंगा, तो ये आपका 98 आ जाएगा, 49 से मतलब 2 आपका आ जाएगा, तो आपका 39 में 2 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं सबको दो दो भी बांट पाऊंगा, तो 41 हो जाएगा, तो 41 मेरा आ जाएगा करेक्ट आंसर, समझ गए। देखो अब मैंने जो आपको तरीका बता दिया है ना, इससे आप चीजों को सोच पाओगे, आपको कुछ भी मतलब याद उद करने की जरूरत नहीं, वैसे कोई याद कराता भी नहीं है, लेकिन इससे आप दिमाग में चीजें सोच पाओगे बहुत ही आसानी के साथ। जैसे यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ एस नंबर्स इज आर की पावर 4, द एवरेज ऑफ आर नंबर्स इज एस की पावर 4,
देन द फाइंड द एवरेज ऑफ आर प्लस एस नंबर, ऐसा क्वेश्चन हमने एक ऊपर किया, मतलब एस नंबर ऐसे हैं जिनका जो एवरेज वेट एवरेज है, जो एस नंबर का एवरेज है वो आर की पावर फोर है, तो हर सारे नंबर का आर की पावर फोर है तो एस नंबर का कितना हो जाएगा, अगर मैं टोटल निकालूं तो टोटल एस इंटू आर की पावर फोर हो जाएगा, एक्स एस नंबर का हर नंबर का आर की पावर फोर है तो सबका मैंने टोटल निकाल दिया तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे आर नंबर का एस की पावर फोर है, टोटल आपके पास एस प्लस आर नंबर है इन्हीं का एवरेज बताना है, तो आप अगर यहाँ से एस आर कॉमन ले लो तो आपका यहाँ से आर क्यूब प्लस एस क्यूब आ जाएगा और अपान नीचे एस प्लस आर है, तो अगर इसको आप खोल लो तो एस प्लस आर से एस प्लस आर चला जाएगा, आपका क्या बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एस आर, तो आपका ये इस वाले ऑप्शन में है ये चीज, तो इसको आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बात मैं आपको और बता दूंगा, जब हम कभी ना किसी सीरीज को लेते हैं, अर्थमेटिक सीरीज को लेते हैं, बेसिकली अर्थमेटिक सीरीज को लेते हैं, जब भी हम एपी को, एपी क्या होता है जिसका हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, कोई भी सीरीज है ना, तो किसी भी नंबर उसके अगले नंबर का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, उसको हम एपी बोलते हैं। तो जब भी आप एपी सीरीज लेते हो ना, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे आप ले लो 2, 4, 6, 8, 10, तो ये एपी सीरीज है, तो जब भी आपको इसका नंबर बताना होता है ना, तो ये आपका मिड पॉइंट में जो नंबर होता है बीच में, वही आपका एंस, वही आपका एवरेज होता है, एवरेज भी यही होता है, मीन भी आपका यही होता है, ठीक है। ऑड नंबर इवन नंबर के लिए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, अभी आप यहाँ पे समझ लो कि जो मिड पॉइंट होता है वही आपका एवरेज होता है। तो यहाँ पे कह रहा है द एवरेज हाइट ऑफ थ्री किड्स इज 56, एवरेज हाइट 56 है एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 7, 8, 9, तो आपको दिख रहा है ये एपी में ही रेशियो है, 7, 8, 9 डिफरेंस 1 है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ ऑल द थ्री, तो आपको एक बात पता है कि जो 7, 8, 9 रेशियो है ना, तो आपका जो मिड पॉइंट है ये जो 8 है ना, 8 इसी की वैल्यू आपको 56 दी है, क्योंकि आपको जो एवरेज निकलेगा वो यही, अच्छा ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 7:8:9 आपको दिख रहा है ये एपी में, तो जो इनका एवरेज होगा इनका मिड पॉइंट होगा, मतलब इनका जो एवरेज होगा ये 8 होगा, मतलब 8 होगा इनका एवरेज जिसकी वैल्यू मुझे 56 दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये 8 सत्य हुआ तो ये भी सत्य होगा, 63 हो जाएगी, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी, तो आप ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में यही दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो द एवरेज स्कोर ऑफ इन एन इंग्लिश एग्जाम ऑफ अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स इज इन अ कोचिंग इज 52, मतलब 45 स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है 52 है। अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज हैविंग एन एवरेज ऑफ 40 नंबर लीव्स द क्लास एंड अनदर ग्रुप ऑफ 8 बॉयज हैविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 43 ज्वाइन द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द स्कोर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, सबका मैंने एवरेज जो स्कोर है 52 माना है, सबका 52 है, सबका आपको 52 ही मानना है कि सबका जो एवरेज स्कोर है वो 52 है। अब क्या कह रहा है, 6 बच्चे जा रहे हैं जिनका एवरेज स्कोर 40 है, तो मैंने क्या माना था कि सबका 52 है, तो ये जो बच्चे जा रहे हैं उनका 40 है। आप देखो ना, 12 12 12 12 छोड़ के जा रहे हैं, जो 6 बच्चे हैं 12 12 छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है ये 12 12 छोड़ के जा रहे हैं, 6 बच्चे 12 12 छोड़ के जा रहे हैं। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनका एवरेज 43 है, लेकिन इनका होना तो 52 चाहिए, क्योंकि मैंने 52 माना था, मतलब ये कितना कम है, 9 9 कम है इनका, 9 9 कम है, समझ रहे हो ना, 9 9 कम है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, मैंने सबका एवरेज वेट, एवरेज एज, यार जो भी है यार, ये एवरेज एवरेज नंबर है क्या, चलो ठीक है, एवरेज नंबर जो है वो मैंने सबका 52 माना, जो बच्चे हैं मेरे पास उनका मैंने एवरेज जो है वो 52 माना है, इतनी बात आपको क्लियर है ना, ठीक है। अब कुछ बच्चे जा रहे हैं इसमें से, तो वो 40 40 ही नंबर लेके जा रहे हैं, तो आप देखो 12 12 नंबर छोड़ के जा रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो आप वो इतना नंबर तो एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहे हैं, 6 लोग इतना नंबर एक्स्ट्रा छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। सबका 52 है, सबका 52 है, ये इन्होंने कुछ छोड़ दिया, सपोज एक टेबल रखी है उस पर इन्होंने छोड़ दिया है। अब नए बच्चे आ रहे हैं कुछ, उनका भी 52 होना चाहिए था, लेकिन अब उनका कम है, कितना कितना कम है, उनका 9 9 कम है, मतलब यहाँ पे कम लेके आ रहे हैं, माइनस लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये माइनस आप कर दोगे, कितना कितने लोग हैं, 8 लोग हैं ना, 8 लोग हैं और ये सब 9 9 कम लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी जो ओवरऑल जो आपका बच गया, यहाँ पे ये प्लस था और ये आपका माइनस है, तो ये जो ओवरऑल आपका बच गया, ये आपका सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, कितने लोग हैं आप ये भी जान लो कि 6 लोग आपके छोड़े थे और आपके 8 लोग नए आए हैं, तो आप देखो 2 एक्स्ट्रा हैं, अब पहले अगर 45 थे तो आप 47 हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 72, ये 72 आपका 0 आ जा रहा है, मतलब जो आपका पहले था वही आपका अभी भी रहेगा, तो 52 ही रहेगा अभी भी आपका, समझ गए। तो ऐसे करते हैं ये क्वेश्चंस, अब देखो फिर से देखते हैं।
ये क्वेश्चन जो है इसको मैं अभी आगे कराऊंगा आपको ना, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बीच में आ गया गलती से। एवरेज बताना है तो आपको पता है इसको आप सिंपली 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 नंबर है, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे। तो जब 3 से डिवाइड करोगे ना, तो आप देखो जब ये ऊपर जाएगा ना, तो सब में से एक एक पावर माइनस कर देगा। तो 3 की पावर 19, 3 की पावर 29, 29 बोलते हैं ना 29 को, और 39, तो 19, 29 और 39 बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कह रहा है एक हिंदी का एग्जाम हो जो 100 नंबर का है, 11 बच्चे जो हैं वो 78 नंबर पाते हैं, 7 बच्चे 80 नंबर पाते हैं, 5 बच्चे 82 नंबर पाते हैं, और 2 बच्चे आपके 86 नंबर पाते हैं। तो आपसे पूछा है इसका एवरेज। तो हम ऐसे क्वेश्चन अब डेविएशन से करेंगे। डेविएशन क्या होता है बहुत ही ध्यान से समझ लो बेसिकली। तो हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि सबके नंबर इतने इतने हैं जो हम अभी पीछे करते हुए आए हैं। यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी डायरेक्ट बताऊंगा। तो मैंने ऐसा मान लिया, अब देखो यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 86 है। तो जो मुझे आसपास की एक साफ सुथरी वैल्यू लेनी है, आप वो वैल्यू इनमें से भी कुछ भी हो सकती है या कोई और वैल्यू हो सकती है, कोई भी आप वैल्यू मान सकते हो। तो मुझे इनके आसपास जो वैल्यू दिख रही है 80 बहुत ही साफ सुथरी वैल्यू दिख रही है, तो मैं मान लूंगा कि इन सबका एवरेज जो है वो 80 है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा जो भी यहाँ पे डेविएशन आएगा उसको मैं सब में बांट दूंगा, वही मेरा टोटल सबका एवरेज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? ठीक, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं डेविएशन देखूंगा। डेविएशन कहना है, अब देखो डेविएशन यहाँ पे पॉजिटिव में भी आ सकता है, उसको मैं इनसे डिवाइड कर दूंगा तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर देंगे। ये डिवीजन निगेटिव भी आ सकता है ना, निगेटिव ऐसा, तो इस निगेटिव को हम इन एन नंबर में बांट के इससे माइनस कर देंगे, समझ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना अच्छे से। अब हम डेविएशन निकालते हैं, डेविएशन कितना आ रहा है ध्यान से देखो, डेविएशन कितना आ रहा है। देखो 11 बच्चे जो हैं वो 78 नंबर पाए हैं 11 बच्चे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कम पाए हैं, मतलब -2 पा रहे हैं और 11 बच्चे पा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डेविएशन। अब देखो 7 बच्चे, क्योंकि मैंने माना था 80, मैंने माना था सबका कि सबका 80 नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2 कम आ रहा है और 11 बच्चों का 2 कम आ रहा है, तो हम ऐसे ही डेविएशन निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखो 7 बच्चे ऐसे हैं जो 80 नंबर पा रहे हैं, तो कोई भी डिवीजन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि 0 है, कोई मतलब नहीं है इसको लेने का, ठीक है। अब देखो 82 नंबर पा रहे हैं 5 बच्चे, तो डिवीजन देखो 2 का है, क्योंकि मैंने 80 माना था, यहाँ पे 82 है, तो 2 का डिवीजन है, और कितने बच्चे हैं 5 बच्चे हैं। यहाँ पे देखो डिवीजन 6 नंबर का है, क्योंकि मैंने 80 माना था, यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे 6 नंबर का डिवीजन, और कितने लोग हैं 2 लोग हैं। तो ये जो प्रसाद है ना, इतना जो एक्स्ट्रा आ गया ये सब में बढ़ जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। अब ये कितने लोग में बटेगा, जितने लोग होंगे, कितने लोग हैं 11 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 17 हो गया, 5 हो गया, 22 हो गया, सॉरी 23 हो गया, ये 18 हो गया ना, 11, 7, 18, 18, 5, 23, हाँ, और 23, 2, 25, तो 25 लोगों में बट जाएगा। आप इसको देख लो, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 5, 2, 10, 6, 2, 12, 22, और 22 से 22 चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, तो आपका जो एवरेज है वो 80 ही आ जाएगा, समझ गया ना। इतनी बात क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप डेविएशन से कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान तरीके से डेविएशन से कर सकते हो, डेविएशन से कर लेंगे, तो ठीक है। तो मुझे बता रहा है, अच्छा ठीक है, डेविएशन से नहीं करेंगे इसे, डेविएशन से नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत ही ध्यान से समझ लेना, ठीक है। हमसे क्या क्वेश्चन कहता है, पहले मैं आपको एकदम रफली बताऊंगा ना, जिससे आप बस साइन याद कर लो, बहुत ही रफली बताऊंगा, फिर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो पहले बहुत ही रफली बताऊंगा, तो ऐसा मत सोचना कि समझ नहीं आ रहा क्या बातें कर रहे हो, बस सुन लो ध्यान से जो कह रहा हूं। हमसे क्या कहता है कि सपोज 15-20 लोग हैं ना, उनका मुझे एवरेज दे देगा कि इनका एवरेज सपोज 6500 है, इनका एवरेज, मतलब इसका लाइन का मतलब तो समझ में आ गया ना, कि यहाँ पे लोग खड़े हैं और सबका जो पूरा मिला के एवरेज है वो 6500 है। अब मुझसे कह देगा कि यहां से यहां तक जो लोग हैं, एक से मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूं, हाईलाइटर से ड्रॉ कर दे रहा हूं ना इसको, यहां से यहां तक जितने लोग हैं, थोड़ा इसको छोटा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितने लोग हैं इनका मुझे एवरेज दे देगा कि इनका एवरेज है कितना 6300 है, ऐसा दे देगा। फिर मुझसे कह देगा यहाँ से यहाँ तक जो लोग हैं इनका एवरेज मुझे दे देगा कि आप इनका एवरेज आपका 6800 है, ऐसा दे देगा, और मुझसे पूछेगा इतने यहाँ पे जो लोग हैं इनका एवरेज कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है तरीका, दूसरा तरीका ये है इनका कि हमें यहाँ से यहाँ तक के सभी का लोग का मुझे एवरेज दे देगा 6500 है, मुझसे कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक के लोग का जो एवरेज एज वो फलाना है, फलाना मतलब 6300 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज एज है, यहाँ से यहाँ तक का एवरेज एज है ना, वो मेरा है 6800, और मुझसे बता देगा कि आप इनका एवरेज एज बता दो, यहाँ पे जो बीच में जो लोग हैं उनका एवरेज एज बता दो। आप देखो यहाँ पे एक जगह स्पेस आ जा रहा है, मतलब गैप आ जा रहा है, और एक जगह ये वैल्यू ओवरलैप कर जा रही है, समझ रहे हो ना, ओवरलैप कर जा रही है, यहाँ पे ये ओवरलैप कर जा रही है और यहाँ पे गैप आ जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पे कुछ डेविएशन आया होगा, देखो 6500 तो हमने एवरेज माना है, यहाँ पे कुछ डेविएशन आया होगा,
यहां पे कुछ डेविएशन आया होगा, और ये जो नेट डेविएशन आया होगा ना, इसका जो भी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, निगेटिव आ सकती है। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हम सिंपली इसमें इसका उल्टा निगेटिव करके बराबर बराबर बांट देते हैं सब में। अगर ये वैल्यू निगेटिव, अगर डेविएशन निगेटिव आया होता, जो नेट डेविएशन यहां का, अगर मैं आपको इससे देखाऊं, यहां का और यहां का जो डेविएशन अगर निगेटिव आया होता, तो मैं उस वैल्यू को पॉजिटिव कर देता, पॉजिटिव कर देता, और उसको बराबर बराबर मैं इसमें बांट देता। इसका एवरेज जो है ना, मैं वही मानूंगा। इसका अगर 6500 एवरेज है टोटल का, तो इसका मैंने एवरेज में शुरू में 6500 मानूंगा, और जो भी यहाँ पे वैल्यूज आई हैं उसका अपोजिट यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको बस एक रफली समझना है, साइन समझना है कि जो भी डेविएशन आया है, अगर गैप है, अगर कोई भी डेविएशन है, तो उसका अपोजिट साइन हम उसमें डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी मेरा कुछ डेविएशन आएगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ डेविएशन आएगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ डेविएशन आएगा, इसकी वैल्यू सपोज पॉजिटिव आ गई है, ये जो नेट डेविएशन आया है वो पॉजिटिव आया है, मैंने ऐसा मान लिया ना, पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे मैं इसी साइन के साथ इसका जो जो आपका एवरेज है, आप 6500 मानोगे शुरू में, क्योंकि ओवरऑल का एवरेज 6500 है, तो इसका मैं 6500 मानूंगा। अब जो इसका जो डेविएशन आया पॉजिटिव आया, तो मैं इसी पॉजिटिव वैल्यू को इसमें बराबर बराबर बांट दूंगा। सपोज यहाँ पे 3 लोग हैं, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करके बांट दूंगा। यहाँ पे अगर 4 लोग होते हैं बीच में, तो 4 को डिवाइड करके इसमें बराबर बराबर बांट जाता, मतलब इसमें जो साइन आया है उसी साइन को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसमें जो साइन आया है उसको अपोजिट कर रहा हूँ, मतलब अगर ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। अभी मैं आपको इसका डिटेल मतलब समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन बहुत भर भर के आए हैं, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं काफी, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और यही क्वेश्चन जो है सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको मैं मानता हूँ। तो एक केस में आपका ओवरलैप होगा, जिस केस में आपका ओवरलैप होगा, आपको जो भी डिविजन आ रहा है उसी साइन के साथ, उसी साइन के साथ आपको उसको उसमें ऐड करना है बीच वालों में, और अगर गैप है बीच में, तो जो भी डिविजन आ रहा है उसका अपोजिट साइन आपको बीच में ऐड करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाऊं, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उस हिसाब से ना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो, मुझे कह रहा है यहां पे 5 लोग हैं, यानी पिछले 5 महीने की बात कर रहा है, और जो एवरेज सेल है वो 6500 का एवरेज सेल है ना, एवरेज सेल 6500 का है। तो जो पहला महीने का जो सेल है वो आपका 6927 है, दूसरे महीने का जो सेल है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेविएशन देखूंगा, डेविएशन कितना है, मैं सिर्फ डेविएशन देखूंगा। ठीक है, तो पहले महीने का वैसे ये था, ठीक है, पहले महीने का जो डेविएशन आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, ये आपका माइनस में आ रहा है, ये 6500 था, तो ये आपका माइनस में कितना आ रहा है, आपका माइनस में ये 65 आ रहा है, तो -65 आ रहा है पहले महीने का डेविएशन। ठीक है, दूसरे महीने की बात करूं तो आपको डेविएशन जो आ रहा है 6500 है, तो ये आपका 427 का आ रहा है डेविएशन, +427 का डेविएशन आ रहा है। तीसरा जो है वो आपका कितने का डिवीजन आ रहा है, अच्छा यहाँ पे 6 महीने का डिवीजन दिया है, ठीक है, 6 महीने का डिवीजन, ये 6 महीने का दिया है, 6 मंथ का डिवीजन दिया है, सॉरी 6 मंथ का एवरेज दिया है। तो तीसरे महीने का जो आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे 355 आ रहा है, +355। चौथे महीने का कितना आ रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे 730 आ रहा है, +730 आ रहा है। पांचवें महीने की बात करूँ तो आपको दिख रहा है 62 दिख रहा है, +62 दिख रहा है। ठीक है, एक चीज तो आपको देखो, ये 5 का डेविएशन दिख गया आपको, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, गैप ही बेसिकली बच गया, तो गैप है, अगर ओवरलैप कर जाता तो कोई बात नहीं होती। तो मैं जो डेविएशन आ रहा है, ये जो डेविएशन आ रहा है, इसको मैं अपोजिट साइन के साथ इसमें आपको कर दूंगा। यहाँ पे पहली बात तो 1 लोग हैं सिर्फ, मतलब 1 महीना है, और इसको मैंने माना था कि इसका एवरेज 6500 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं डेविएशन देखूँ, तो डेविएशन जो आ रहा है, तो आपको दिख रहा है यहां से तो वैल्यू आपकी -3 आ जा रही है, इन दोनों को अगर मैं लूं तो -3 आ जा रही है, तो -3 को अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, तो आपका ये 424 ये बन जा रहा है, ये 355, 730 आपका कितना बन जा रहा है, 5 5 3 8 7 3 10, तो ये आपका हो गया 5 4 9 8 2 10, इतना आपका आ जा रहा है, ये 1509 रुपये, और ये प्लस में आ रहा है, आप ध्यान से देखो तो ये प्लस में आ रहा है, मैंने यहाँ पे वैसे कुछ गलत कर दिया शायद, नहीं सही किया मेरे ख्याल से, 424 ये आ गया, एक बार देख लूँ फिर से, यहाँ पे आपका -3 आ गया था, और -3 आपने इसमें किया, तो आपने 424 आ गया, और यहाँ पे 1085 आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इतना आपका आ गया डेविएशन, और मैंने आपको बताया यहाँ पे है गैप, इसका है 6500, यहाँ पे एक ही आदमी है, तो मैं सिंपल इसको निगेटिव साइन के साथ इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे 1500 में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 10 है, सॉरी 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4991 आ जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गैप था, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बच रहा था,
तो जो भी डिविजन आया है उसका मैं निगेटिव साइन इसमें डाल दूंगा। अगर यहाँ पे 2 मंथ होता तो मैं इसको 2 से डिवाइड करके डालता, 3 मंथ होता अगर तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करके डालता, लेकिन यहाँ पे एक ही मंथ था तो ऐसे करके डालेंगे। और आगे ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं, आप टेंशन मत लो, आपको चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर भी एक क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं जो हमने छोड़ा था। देखो कह रहा है एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 28 साल ना, ठीक है 7 बच्चे हैं यहाँ पे और सबका एवरेज एज 28 साल है, सबका जो एवरेज एज है वो 28 साल है। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30, जो शुरू के 3 स्टूडेंट हैं उनका जो एवरेज है वो 30 है। तो अगर मैं डेविएशन की बात करूँ, सिंपल डेविएशन की बात करूँ, तो 3 लोग का 30 है, तो एक का 2 है। आप देखो ना यहाँ पे 28 है सबका, तो डिवीजन है वो 2 का आ रहा है और 3 लोगों के लिए आ रहा है, तो आपका बेसिकली 6 का डिवीजन आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे +6 का डिवीजन आ जाएगा इन 3 लोग की वजह से। ठीक है, अब देखो एज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ फिफ्थ स्टूडेंट, तो अभी इन दोनों को नहीं मानेंगे, फोर्थ फिफ्थ को नहीं मानेंगे हम। द एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एंड इज 5 मोर देन द एवरेज एज, मतलब आपको एवरेज एज से 5 ज्यादा, मतलब 33 33 साल है, मतलब 5 ज्यादा, तो आपका डिविजन 5 का रहा है लास्ट के। देखो यहाँ पे 2 लोग की बात अभी नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 और लोग जो हैं उनकी बात करते हैं, तो इनका जो डिविजन आ रहा है आपका 5 का आ रहा है, तो 5 × 2 मतलब 10 का डिविजन आ रहा है बेसिकली, +10 का डिविजन आ रहा है, +10 का डिविजन आ रहा है। और आप देखो यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, मुझे इन दोनों का पता है, अगर मैं हाइलाइटर्स दिखाऊँ आपको, मुझे इन तीनों का पता है, मुझे इन दोनों का पता है और मुझे इन दोनों का बताना, तो यहाँ पे एक गैप आ गया है, तो जो भी वैल्यू आएगी डिविजन आएगा उसका हम निगेटिव करके इसमें डालेंगे, अपोजिट करके डालेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जो डिविजन आ रहा है आपको, देखो 16 का आ रहा है, +16 का आ रहा है, तो मैं यहाँ पे -16 करूंगा, लेकिन मैं, और एक बात और, इन दो का मैं मानूंगा जो एवरेज मानूंगा शुरू में वो इतना ही मानूंगा जितना मुझे दिया है, 28 ही मानूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो -16 है इसमें बराबर बराबर बांटूंगा, दो क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं तो इन 2 लोग में बराबर बराबर बांटूंगा, तो मतलब -8 बांट दूंगा इसमें, तो इसका 28 का -8 कर दूंगा, तो 28 में -8 कर दूंगा तो मेरा 20 आ जाएगा, मेरा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए, बिल्कुल क्लियर है ना, मैं आपको एक बार फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा करके बता दे रहा हूँ चीजें ना, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से। अच्छा मुझे यहाँ पे कुछ और बताना है, गया व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है वही बताना था। ठीक है, एज ऑफ 4 4 लेस देन, इसका कोई मतलब है नहीं, जो यहाँ पे दिया है ना बातें इनका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझे एवरेज निकालना तो एवरेज में निकाल दिया ऐसे ही। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करके बता रहा हूँ, जिससे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दूर हो जाए ना। देखो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखना, मुझे यहाँ पे 7 लोगों का एवरेज एज 28 दिया है, 7 लोगों का एवरेज एज 28 दिया है, शुरू के जो 3 लोग का एवरेज एज दिया है वो मुझे 30 दिया, तो यहाँ पे डेविएशन 2 का आ रहा है और यहाँ पे क्योंकि 3 लोग हैं तो +6 का डेविएशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग मैंने पढ़ लिया और लास्ट के 2 लोग का एवरेज एज दिया है कि इनका जो एवरेज एज है वो 5 ज्यादा है, इनका जो एज है दोनों का सेम एज है और 5 5 ज्यादा है एवरेज एज, मतलब आपका डिविजन +5 का रहा है और 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं तो जो +5 × 2 का डिविजन है, मतलब +10 का डिविजन यहाँ पे आ रहा है और +6 का डिविजन यहाँ पे आ रहा है, तो टोटल आपका +16 का डिविजन आ रहा है, और यहाँ पे आपसे इन दोनों का एवरेज पूछा, तो यहाँ पे आप देखो एक गैप क्रिएट हो गया है, तो जब गैप क्रिएट हो गया है तो हम इसका अपोजिट साइन लेते हैं, मतलब -16 लेंगे और इसका जो एवरेज है ना उसको हम शुरू में 28 ही माने रहते हैं, क्योंकि ये 28 दिया है तो शुरू में हम 28 ही माने रहते हैं, तो यहाँ पे जो 16 है ये 2 लोगों में बटेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं, क्योंकि 3 2 5 और 2 60, तो ये 2 में बटेगा, तो 8 में माइनस कर दूंगा इसमें से, 28 में से 8 माइनस कर दूंगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अब हम अगले अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 25 इफ ईच नंबर इज, ठीक है देखो 12 नंबर ऐसे ऐसे 12 नंबर हैं मेरे पास, 12 नंबर ऐसे ऐसे हैं और इनका जो एवरेज है वो 25 है, मतलब सबके पास 25 25 25 25 25 है। अब मैं सबको 6 6 और दे दे रहा हूँ, तो आप देखो ना सबको मैं 6 6 और दे दिया, तो आपको पता है इसका जो एवरेज वो 6 से तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो मैंने 6 6 सबको बराबर बांट दिया, तो अब जो एवरेज वो 6 और ज्यादा हो जाएगा, तो 25 में 6 और ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 31 मेरा एवरेज आ जाएगा। यहीं पे आप एक बात और समझ लो, अगर मैं 6 ना ऐड करके ना इसमें, अच्छा जैसे 1 ऐड करता 2 ऐड करता तो भी आपको भैया था, सब में से मैं 2 2 घटा देता, सपोज -2 -2 -2, सब में से 2 2 घटा देता, तो जब सब में से 2 घटा दिया ना, तो अगर सब सबका सबके पास सपोज इतना रुपए है, इतना इतना रुपए है, और सब में से मैं 2 2 घटा दूंगा, तो आपका एवरेज 2 और नीचे आ जाएगा, क्योंकि सब में से 2 2 यूनिफॉर्मिटी में नीचे आ गया है, तो सिंपली यहां से 25 -2 कर दूंगा। मतलब अगर एन नंबर्स ऑफ लोगों का एवरेज मुझे दिया है, अगर सब में मैं 2 2 ऐड कराऊं तो एवरेज 2 ज्यादा हो जाएगा, सब में से अगर मैं 3 3 घटा लूं तो सबका 3 कम हो जाएगा, अगर मैं सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो अब सबके जितना एवरेज था सबका, जितना जितने टॉफियां थी सबके पास, अब उसकी दुगनी दुगनी टॉफी है सबके पास, क्योंकि मैंने इंटू 2 कर दिया है, तो जो एवरेज है वो भी इंटू 2 हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड कर दूं कि सबके पास
सबकी मैंने आधी आधी टॉफी छीन ली सबकी, मतलब सबकी डिवाइड अगर 10 टॉफी है तो उसमें से मैं सबके आधी आधी टॉफी कर दिया हूँ सबकी, तो जो एवरेज वो भी आधा हो जाएगा, समझ गए। मतलब अगर मुझे एन नंबर ऑफ लोग्स का दिया हो, कुछ भी एवरेज दिया हो, अगर मैं सब पे कुछ ऑपरेशन कर रहा हूँ, सपोज प्लस का कर रहा हूँ, +5 +5 सब पे कर रहा हूँ, तो मेरा एवरेज है +5 हो जाएगा, -5 कर रहा हूँ -5 हो जाएगा, डिवाइड कर रहा हूँ डिवाइड हो जाएगा, और माइनस कर रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था ये। क्वेश्चन आप खुद से करो, डिविएशन से करता हूँ। चलो अच्छा मैं कर देता हूँ इसको भी। देखो स्टूडेंट 72 नंबर पाया है बायोलॉजी में, 84 पाया है हिंदी में, 91 पाया है इसमें, 80 पाया है इसमें, 73 पाया है इंग्लिश में, तो मैं मान लेता हूँ कि 80 नंबर पाया है, या 70 मान लेता हूँ। चलो कि मैंने मान लिया 70 पाया है लड़का, सब में 70 पाया है, सब में 70 पाया है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 का डिवीएशन है तो +2, यहाँ पे 14 का डिवीएशन है तो +14, यहाँ पे 21 का डिवीएशन है तो +21, यहाँ पे 10 का डिवीएशन है तो +10, और यहाँ पे आपका 3 का डिवीएशन है तो +3। अभी जो एक्स्ट्रा आया है मैं सब में बराबर बराबर बांट दूंगा, तो कितने लोगों में बांटूंगा, 1 2 3 4 5, 5 लोगों में बांट दूंगा बराबर बराबर। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये आपका आ गया 40, और ये आपका आ गया 4 3 7 3 10 50, तो 50/5 आ गया, मतलब आपका 10 आ गया, तो मैं 10 10 सबको बांट दूंगा 70 में, तो आपका एवरेज 80 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज आपका 80 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज बाय 4 ईयर्स व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 32 ईयर्स वॉज रिप्लेस बाई। ठीक है, तो कह रहा है देखो कुछ नंबर ऑफ लोग हैं जिसमें एक बंदा जो है 32, उसको निकाल के मैंने 56 वाले नंबर को रिप्लेस कर दिया, मतलब एक बंदे को मैंने उसमें से निकाल दिया जिसका वेट 32 था, और एक नया आ गया वो 56 है जिसका। ठीक है, तो आप देखो कितना एज बढ़ गया है, तो आप देखो यहाँ से जो बढ़ गया है एज, वो कितना बढ़ गया है, 4 और 2 24 एज बढ़ गया है। मतलब आप देखो ना एवरेज एज होगा, उसमें से एक 32 वाले को निकाला और मैंने 56 वाले को ऐड कर दिया, जो नया जो आपका एडिशनल वेट है वो आपका 24 आ चुका है, जो एवरेज है एवरेज तो है। अब जो 24 जो एक्स्ट्रा है ना, उस सब में बराबर बराबर बांट दूंगा, क्योंकि मुझे एवरेज ही निकालना है ना, तो ये मैं सब में बराबर बराबर जब बांट रहा हूँ, ये जो 24 है ये मैं एन नंबर ऑफ लोग में जब बराबर बराबर बांट दे रहा हूँ, तो आपका जो एज है वो 4 से इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब सबका 4 4 बढ़ जा रहा है, मतलब ये जो 24 है ना, मैंने सबको जितने भी लोग हैं सबको 4 4 4 4 दे दिया है, तो मैं कितने लोग को दे पाऊंगा, आपको पता है कि 4 बढ़ गया है तो एन की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी, मतलब 6 लोग को मैं 4 4 वेट दे पाऊंगा, तो टोटल 6 लोग हो गए। ठीक है, अब देखो ये आप इसको करते हैं, देखो 29 बॉयज हैं, 21 गर्ल्स है, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 89, वेयर एज द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 91, व्हाट इज द एवरेज ऑफ होल क्लास। तो मुझे एक हिस्से का दिया है, दूसरे हिस्से का दिया, टोटल का पूछा तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा एलिगेशन, तो एलिगेशन में लगाऊंगा बॉयज का 89 है, गर्ल्स का 91 है, एवरेज मैंने मान लिया एक्स है, तो आपको पता है यहाँ पे मैं 91 - x लिखूंगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा और फिर यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं x - 89 लिखूंगा, 89 - x गलती से भी मत लिख देना। ठीक है, और एक बात मुझे पता है, जो रेशियो आया है ना, ये बॉयज का और गर्ल्स का रेशियो आया, और बॉयज का गर्ल्स का रेशियो मुझे ऑलरेडी पता है, क्यों, क्योंकि 29 बॉयज है 21 गर्ल्स है, तो ये 29:21 ही आएगा, तो मतलब 91/x, सॉरी x - 90 84, सॉरी इक्वल्स टू 29/21 आ रहा है, 31 है, 21 आ रहा है, ठीक है 21 आ रहा है। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो 91 घटाओगे तो ये तो ऊपर 0 जाएगा, ये तो होगा नहीं, इसको तो काट दो, यहाँ पे 84 था क्या, 84 है, 89 है, 89 है यहाँ पे, 89 है, ठीक है 89 है, तो अगर आप 89 घटाओगे तो ये नीचे का 0 होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। अब देखो ध्यान से देखो इन दोनों में कौन सी वैल्यू होगी, तो अगर मैं देखूँ यहाँ से तो ये 91.8 है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 0.8 का माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आप 90, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने 91.8 डाला, और यहाँ पे मैंने 91, मैंने वैल्यू पुटिंग कर रहा हूँ सिंपल, तो यहाँ पे वैल्यू नीचे पॉजिटिव आ रही है, ऊपर निगेटिव आ जा रहा है, और जो रेशियो आ जा रहा है वो निगेटिव में आ जा रहा है, लेकिन आपका रेशियो तो पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं होगी, तो जो वैल्यू बच गई वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं आपको ये ऑप्शन फिर से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं 91.8 डालता हूँ एक्स की जगह, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जा रही है और नीचे पॉजिटिव ही रह रही है, अगर नीचे नीचे भी निगेटिव आ जाती तो ऑब्वियस हमारा आंसर ठीक आ जाता, क्योंकि नीचे निगेटिव निगेटिव कट जाता, लेकिन यहाँ पे ऊपर निगेटिव आ रहा है नीचे आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब जो रेशियो निगेटिव में जा रहा है जो नहीं आ सकता, तो ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आप इसको तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, बाकी आप इसको वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, तो अगर मैं इसको पुट करके देखूँ तो मेरा जो आ रहा है यहाँ पे मेरा 1.16 आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो मेरा आ जाएगा 0.84 आ जाएगा, और ये आपका 29/21 आना चाहिए, तो इसको मैं हटा दूँ तो आप देखो (4:4) ही हो रहा है, समझ रहे हो, (4:4) ही हो रहा है, 29/4 करो ये आ जाएगा, तो मतलब मेरा वैल्यू सही हो जाएगा, तो यहां से आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते थे, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो अगला जो टाइप है वो हमारा सीरीज का है,
सीरीज बेसिकली जो होता है ना वो एपी में आपको दिया रहेगा। एपी में सपोज जैसे आपसे पूछ लेगा पहले सात इवन नंबर्स का बता दो एवरेज, या पहले आठ ऑड नंबर्स का एवरेज बता दो, समझ रहे हो ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज बता दो या इंटीजर्स का एवरेज बता दो, आपसे ऐसे पूछेगा, ऐसे मतलब इसी में से क्वेश्चंस बनाएगा। तो आपको एक बात पहले ये समझ में आनी चाहिए कि अगर वो नंबर जो है ना एक कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो आपका एपी में है, एपी में समझ लो ना, एपी में अगर हो ठीक है, तो एपी का मतलब ये होता है कि उसका जो कोई भी दो नंबर उठा लो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह सेम है ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज है एपी की तो जो मिड पॉइंट होता है उसका वही उसका एवरेज होता है। पहली बात तो आप ये समझ लो जो भी मिड पॉइंट हो, सपोज यहां से यहां तक सीरीज गई है तो इसका एवरेज अगर मुझे बताना तो जो मिड पॉइंट है इसका वही उसका एवरेज है ठीक है। अब आपसे दो केस पूछ सकते हैं, जैसे आपसे कह ले कि पहले सात इवन नंबर का तुम बता दो एवरेज, पहले सात जो पहले सात इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज बता दो, या पहले आठ इवन नंबर जो है उनका एवरेज बता दो, ऐसे कह सकता हूँ। मतलब दो केस बनेगा, या तो आपसे जो नंबर ऑफ एंट्रीज ले रहा है वो इवन, जैसे सात पूछ सकता है या नाइन पूछ सकता है, नाइन पहले नौ नंबर, यहाँ पे नाइन सेवन्थ नहीं लिखना चाहता मुझे, पहले नौ इवन नंबर का एवरेज बता दो, पहले 13 इवन नंबर का एवरेज बता दो, पहले 21 इवन नंबर का एवरेज बता दो, ऐसे आपसे जो ये नंबर्स ले रहा है ना जो एंट्रीज ले रहा है वो ऑड नंबर में ले रहा है। दूसरा जो है आपसे इवन में ले सकता है कि 14 इवन नंबर का बता दो या आप 70 18 ऑड नंबर का बता दो, ऐसे आपसे कह सकता है ठीक है। तो मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट में कैसे निकालूंगा, जो मिडिल में नंबर है ना वो मेरा होता है मिड पॉइंट, वही होता है एवरेज। अच्छा मिडिल में एक नंबर भी हो सकता है, मिडिल में दो नंबर भी हो सकता है, क्योंकि इस केस में आपके बीच में दो नंबर होंगे। अगर जैसे अगर चार होता, सपोज चार एंट्रीज होती मेरे पास ना, ये इवन नंबर ऑफ एंट्रीज है तो इसका जो एवरेज होगा तो आप इसका एवरेज यहाँ पे कहीं लाई करेगा मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों का मुझे एवरेज लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बीच में दो नंबर्स हैं, इन दोनों का एवरेज लूंगा तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर पांच लोग हैं सपोज ऑड नंबर ऑफ लोग हैं तो देखो दो इधर कर दो, दो इधर कर दो, मिड पॉइंट यही हो गया। तो यहाँ पे जो बीच में नंबर है वही मेरा मिड पॉइंट है, यहाँ पे जो बीच में दो नंबर्स हैं उनका एवरेज लेके या उनका मिड पॉइंट ले लूंगा तब मेरा आ जाएगा। तो मैं मिड पॉइंट कैसे निकालूंगा बस मुझे ये सोचना है कि मिड पॉइंट कैसे निकालूं। तो आप बहुत ही ध्यान से देखो, कोई भी फॉर्मूला मैं आपको याद नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी फॉर्मूला याद नहीं किया, आपको ऐसे अलग अलग फॉर्मूला याद कराए जाएंगे। आप कहीं पे भी जाओगे कि ये आपका एन बाई टू प्लस वन ऐसे करके, या एन प्लस वन बाई टू कर दो, या एन बाई टू प्लस वन ऐसे कर दो, फलाने फलाने फार्मूला है, मुझे खुद याद नहीं है ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैंने मान लिया कि 24 नंबर हैं, 24 नंबर हैं उनका मुझे मिड पॉइंट बताना है, तो मैं मुझे पता है कि 24 नंबर है तो 12 इधर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा, बीच में जो आ जाएगा वो मेरा आ जाएगा मिड पॉइंट। मतलब जो 12वां नंबर है, जो 13वां नंबर है, 12th और 13th के बीच का जो इन दोनों का एवरेज आएगा वही मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा। जैसे अगर मेरे पास 28 नंबर होते तो मैं क्या करता, आधा इधर आधा इधर, मतलब 14 इधर 14 इधर, तो ये 14वां नंबर ये 15वां नंबर इन दोनों का एवरेज ले लेता तो मेरा आ जाता मिड पॉइंट ना, 14वां नंबर प्लस 15वां नंबर अपॉन टू ठीक है। जैसे मेरे पास अगर 36 नंबर है तो 18 इधर 18 इधर, मतलब 18वां और 19वां नंबर का जो मिड पॉइंट होता या जो एवरेज होता इन दोनों 18वें नंबर का और 19वें नंबर का जो मिड पॉइंट होता या इनका जो एवरेज होता वही मेरा मिड पॉइंट होता, वही मेरा एवरेज आ जाता ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं। जैसे अगर 18 नंबर है तो मैं क्या करूंगा, 9 इधर 9 इधर, तो 9वां इधर और 10वां इधर इन दोनों का एवरेज ले लूंगा तो मेरा मिड पॉइंट आ जाएगा या एवरेज आ जाएगा ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना ऑड वालों के लिए। अब इवन वालों के लिए देख लो, सॉरी ये मैं इवन वालों को बताया हूँ, अब ऑड वाले के लिए देख लो। सपोज मेरे पास 21 नंबर है, सपोज मेरे पास 17 नंबर है, सपोज मेरे पास 13 नंबर है ना, तो कैसे सोचूंगा मैं जो एक है ना मुझे पता है अब ये ऑड नंबर है तो यहाँ पे बीच में एक बंदा तो आएगा ही आएगा, उस केस में इवन में नहीं आ रहा था, इवन में बीच में दो आ रहे थे आप देखो ना ऊपर दो आ रहे थे, अब यहाँ पे एक आ रहा है बीच में, तो मैंने इस पहले 21 में से एक को मैंने यहाँ पे बैठा दिया बीच में, बच गए 20, 10 को मैंने इधर बैठा दिया, 10 को मैंने इधर बैठा दिया, तो 10 ये है तो ये 11वां बंदा है, तो 11वां मेरा मिड पॉइंट है, जो 11वां नंबर रहेगा वही मेरा एवरेज रहेगा, वही मेरा मेन रहेगा, वही मेरा मिड पॉइंट रहेगा। 70 है तो 70 में मैंने एक को बीच में बैठा दिया, 16 बच गए, 8 इधर 8 इधर, तो आपका ये 9th नंबर है क्योंकि 8 इधर है 8 इधर है तो ये 9th नंबर ही तो है। यहाँ पे अगर 13 है तो मैंने 13 को एक बैठा दिया बीच में, 6 इधर 6 इधर, तो ये 7वां नंबर ही तो है क्योंकि 6 इधर है, ये 6 हो गए और ये 7वां हो गया, तो जो 7वां नंबर है वही मेरा एवरेज है, वही मेरा मिड पॉइंट है, वही मेरा मीन है ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन, एक और नंबर ले लो 37 ले लो, मैंने एक को बीच में डाल दिया, 36 बज गया, 18 इधर 18 इधर, तो ये 19वां जो नंबर है वही मेरा क्या है मिड पॉइंट है। तो कोई भी फार्मूला आपको याद नहीं करना, ऐसे आप सोच सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो तो कह रहा है एवरेज ऑफ 9 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज 27 ठीक है, 9 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं और इनका एवरेज है 27, मतलब इसका जो मिड पॉइंट है वो 27 है। वैसे आपको पता है
कि एक को मैंने इधर बैठा हुआ, चार इधर, चार इधर, ये फिफ्थ नंबर ही है, उसका फिफ्थ नंबर की ही वैल्यू आपको 27 दी है। वैसे यहाँ पे इसका काम नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो फिफ्थ नंबर है वो आपका 27 है। इतनी बात क्लियर है ना? ठीक है, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वही आपका क्या आता है, आपका एवरेज आता है। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ द प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर्स और टू दीज 9 ऑड नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैं एक और नंबर इंक्लूड कर दूँ, प्रीवियस जो ये नंबर था इसमें एक और नंबर इंक्लूड कर दूँ और यहाँ पे एक और नंबर इंक्लूड कर दूँ, तो मेरा मिड पॉइंट जो है वही मेरा एवरेज है। तो पूछ रहा है नया एवरेज क्या होगा, तो भाई मिड पॉइंट तो अभी भी यही है, तो मेरा एवरेज 27 ही अभी भी रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे सारे नंबर पूछते हैं, मैं आपको सारे नंबर बता दे रहा हूँ कि सारे नंबर कौन कौन से होंगे यहाँ पे ना, आंसर तो आपका आ गया। देखो तो 9 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हैं उसका जो एवरेज है वो आप, ये क्या मैंने ले लिया, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है ऐसे। तो मेरे पास 9 जो नंबर्स थे उनका जो मेरा मिड पॉइंट आ रहा है जो कि फिफ्थ नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 9 नंबर है, एक मैंने बीच में बता दिया, चार इधर चार इधर, तो ये पांचवा नंबर है, इसी की वैल्यू 27 दी है, तो आपकी छठे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, छठा नंबर आपका 29 आ जाएगा क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। सातवां नंबर आपका 31 आ जाएगा, आठवां नंबर आपका कितना आ जाएगा 33, और आपका नौवां नंबर कितना आ जाएगा 35। ऐसे आप ऐसे ही पीछे भी जा सकते हो, आप सारे नंबर निकाल सकते हो, आपसे पूछ सकता है कि दूसरे नंबर का और सातवें नंबर का एवरेज बता दो, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे, या उनका सम बता दो, कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे हम नंबर से लिख लेंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि 10 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका एवरेज दिया है, जो बीच के दो नंबर्स हैं ना उनका एवरेज 13.5 है, तो मुझे बताना है शुरू के जो 6 नंबर है उनका सम कितना होगा। तो देखो मुझे पता है 10 नंबर्स हैं, तो बीच के जो नंबर होंगे आपको पता है 5 इधर 5 इधर, मतलब ये पांचवां और छठा नंबर जो दिया है, फिफ्थ और सिक्स नंबर का ही एवरेज मुझे 13.5 दिया है। ठीक है, तो अगर इसका मिड पॉइंट 13.5, तो आपको पता है ये 14 हो जाएगा या 13 हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो ये पांचवा नंबर है, छठा नंबर है, मुझे शुरू के 6 नंबर्स का पूछा है, तो ये चौथा हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, पहले 1 से 6 तक नंबर हो जाएंगे, और इसी का आपको सम पूछा है। सम निकालने के लिए आप दो तीन तरीका अपना सकते हो। पहला तरीका क्या है, आप बीच के दो नंबर ले लो, आपके टोटल 3 पेयर बनेंगे। देखो तो यहाँ पे इन दोनों का नंबर है, तो आपका 23 हो गया, 23 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि तो इसका जो सम है 23 है, इन दोनों का भी सम 23 होगा, इन दोनों का भी सम 23 होगा, तो सिंपल 23 × 3 कर दो, 16 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आप इसका ले लो मिड पॉइंट जो कि 11.5 आ जाएगा, आपको पता है यही एवरेज आ गया है, ये एवरेज है, मतलब इतना ही मैं सबको बराबर बराबर बांट सकता हूँ, 6 लोगों के बीच में बराबर बराबर बांट सकता हूँ, क्योंकि 6 लोग हैं, तो इसका × 6 कर दो तो भी आपका 69 आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो इसको। ठीक है, अगला देखो, एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 35। ठीक है, तो मुझे पता है 6 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो मुझे एक बात पता चल गई भाई कि ये जो तीन इधर, तो तीसरे और चौथे, थर्ड और फोर्थ, मैं यहाँ पे आपसे ये मतलब ड्रॉ नहीं करूंगा, मुझे पता है तीन इधर, तो जो तीसरा है, थर्ड नंबर जो है और फोर्थ नंबर जो है, इसी का जो एवरेज आया है, जो मिड पॉइंट आया है वो 35 आया है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 36 होगा और ये 34 होगा, और यहाँ से मैं सारे नंबर्स पता कर सकता हूँ। ये आपका 38 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका आपका 32 हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा। ऐसे मुझे 6 नंबर पता चल गए। वॉट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन नंबर्स अमॉन्ग दीज 6, तो मुझे पता है ये और ये, तो 70 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 70। ठीक है, वैसे आप एक बात और बता दूंगा आपको कि आपने भी ऊपर देखा ना, जो इसका सम होगा ना इन दोनों का, जो कोने के दो हैं वही बीच के दो का सम होगा, जो लास्ट के अगर चार ले लूं मैं, तो जो बीच के चार हैं उनका सम बराबर होगा, लास्ट के अगर 10 ले लूं, 10 का मतलब सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल रहा हूँ, लास्ट मतलब कोने से अगर मैं दो दो उठा लूं, तो टोटल मैंने चार उठाया, तो उनका जो सम रहेगा वो बीच के चार का सम रहेगा। अगर मैं कोने से आपका 10 उठा लूं, 10 10, मतलब कोने के जो नंबर थे उसमें से अगर 10 10 नंबर का एवरेज ले लूं, सम ले लूं अगर, तो 10 मैंने इधर से लिया, 10 इधर, मैंने 20 नंबर लिया, तो अगर जो 20 नंबर मैंने लिया दोनों तरफ से, तो बीच के जो 20 का 20 होंगे उनका सम और उनका सम बराबर ही रहेगा, तो मैं इन दोनों का भी सम करता तो मेरा ये शुरू और अंत का सम आ जाता, 70। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो जब फर्स्ट 8 पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 9 है। अच्छा ठीक है, एक बात आप और बता दो मुझे, अगर 8, पहले बात तो 8 पॉजिटिव इवन नंबर से जो भी नंबर हो, मुझे एक बात पता है, अगर 8 नंबर से चार इधर चार इधर, ये चौथा नंबर जो है, जो फोर्थ नंबर है और जो फिफ्थ नंबर है, इन्हीं का जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा एवरेज होगा, इतनी बात तो आपको क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे यहाँ पे ये कह रहा है, यहां से देखो
कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एट पॉजिटिव इवन नंबर्स हो और जो डिविजिबल बाय नाइन हो, तो ऐसे कौन से नंबर है, ये आपके नंबर हो जाएंगे 9 into 2, 9 into 4, 9 into 6, 9 into 8, 9 into 10, ऐसे नंबर जाएगा, ऐसे नंबर जाएगा। तो आपको क्या बताना है, आठ नंबर है तो आपको पता है जो चौथा नंबर होगा, जो पांचवा नंबर होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, कितने नंबर है, मैं आठ नंबर है ना, उन्हीं का एवरेज लेना है। तो जो चौथा नंबर होगा आपका, देखो 9 into 8 होगा ना, जब चौथा नंबर होगा, क्योंकि आपको इवन भी बनाना है और साथ में आपको 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो ऑब्वियस इवन बनाने के लिए आपको 8 करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे 2, 4, 6, 8, तो ये आपका चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर है, इसका मिड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा है इसका मिड पॉइंट 9 into 9 होगा, क्योंकि 9 into 8, 9 into 10, इसका मिड पॉइंट 9 into 9, वही आपका एवरेज होगा, वही आपका एवरेज हो गया एक्टिवन, समझ गए। आगे देखो, देखो द एवरेज ऑफ फाइव कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 8, इसका मतलब क्या है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, पांच कॉन्सिक्यूटिव इवेंट्स नंबर्स हैं ना, तो मुझे पता है अगर पांच नंबर है, मुझे पता है दो इधर दे दूंगा, मैंने बीच में एक दे दिया, दो इधर दो इधर, मैं जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर जो है उसकी वैल्यू ए है, वो मुझे एवरेज दिया है। अब क्या कह रहा है, इफ द नेक्स्ट फाइव इवन नंबर्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर मैं अगले पांच नंबर को और इंक्लूड कर दूं, पांच को ना, तो अब जो मिड पॉइंट होगा, आपको ये बात पता है, अब जो मिड पॉइंट है पांच इधर पांच इधर, तो जो पांचवा और छठा नंबर है, जो फिफ्थ नंबर है और जो सिक्स्थ नंबर है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। एक बात और जान लो, यहां पे बात हो रही है इवन नंबर्स की, मैं आपको इसको एक बार और ड्रॉ करके बता दे रहा हूँ ना, जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा फिगर बेकार सा ड्रॉ हो गया। देखो यहाँ पे शुरू के पांच नंबर जो हैं, इनका एवरेज, जो इनका एवरेज है वो पांच, पहले तो पांच नंबर, जो बीच वाला नंबर होगा थर्ड नंबर होगा, इस थर्ड नंबर का जो ए है, मतलब ये आपका मिड पॉइंट ए है, क्योंकि एवरेज मिड पॉइंट ही होता है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे 10 नंबर है, टोटल 10 नंबर आ गए ना, तो अब जो मिड पॉइंट होगा वो पांचवा और छठे के बीच, जो फिफ्थ नंबर है और जो सिक्स्थ नंबर है, इसके बीच वाली वैल्यू जो होगी वो मेरी होगी मिड पॉइंट, और वही होगा एवरेज। हमसे पूछ रहा है व्हाट द एवरेज ऑफ दीज 10 नंबर, 10 नंबर का जो एवरेज होगा वो आपका ये वाली वैल्यू होगी, 10 नंबर का एवरेज, ठीक है। यहाँ पे पहले बात तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स थे, तो आप बताओ फोर्थ नंबर कितना होगा, तो ये a+2 होगा, कि भाई कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो ये आपका a+2 हो जाएगा, ये आपका a+4 हो जाएगा, ये आपका a+6 हो जाएगा, a+6 हो जाएगा, तो ये आपका a+4 है, ये आपका a+6 है, तो इसका मिड पॉइंट कितना है, a+5 है, तो ये आपका a+5, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, ठीक है। क्यूब बताने, तो यहाँ पे आपको क्यूब का सम पता होना चाहिए, तो आपको क्यूब का सम और आपका सम ऑफ स्क्वायर्स भी आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन कर लो। तो सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है n, n+1 टू n+1 बाई 6 होता है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, n नंबर्स, ठीक है। और सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स क्या होता है, ये कितना होता है, एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ये होता है, ये आपको नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता है, अदरवाइज मैंने बता दिया। तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, देखते हैं क्या कह रहा है, हमें एवरेज बताना है क्यूब्स ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल सम लेंगे, क्योंकि भाई वो जो पांच क्यूब्स हैं उनका सम ले लूंगा और उसको पांच से डिवाइड कर दूंगा, मेरा एवरेज आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो पांच है, तो एन एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फाइव, ये तो करूंगा, तो आपको दिख रहा है ये पांच से पांच स्क्वायर है ना, तो आपका पांच चला जाएगा, तो आपका पांच बच जाएगा, और यहाँ पे आपका छह का स्क्वायर बच जाएगा जो कि 36 हो जाएगा, यहाँ पे आपका चार बच जाएगा जो कि 4 हो जाएगा, तो आपका ये 9 और आपका ये 45 चला जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर 45 आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, ये सम ऑफ क्यूब्स है ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, और पांच नंबर है तो पांच से डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। देखो द एवरेज ऑफ एट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 48, ठीक है। पहले बात देखो, एट कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो जो एवरेज होगा, ये जो एवरेज आया है ना, ये जो इसका फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर और जो फिफ्थ नंबर है, इसके बीच की जो वैल्यू है वो आपकी 48 है। और यहाँ पे ऑड नंबर की बात हो रही है, तो आपको पता है ये आपका 49 नंबर होगा, ये आपका 47 नंबर होगा। फाइंड द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवंथ नंबर, तो फिफ्थ नंबर आपका ये है, तो सिक्स नंबर आपका कितना हो जाएगा, 51, और आपका जो सेवंथ नंबर है वो आपका 53 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का सम पूछा है, तो आपको दिख रहा है 9, 3, 2, तो ये आपका यूनिट डिजिट 2, ठीक है। अब देखो द एवरेज ऑफ फर्स्ट सेवन नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 17, तो आपको पता है अगर सात नंबर ले रहा हूं, तो जो
बीच वाला नंबर है, फोर्थ नंबर बीच वाला है, तो फोर्थ नंबर बीच वाला है और आप फर्स्ट ले रहे हो, तो जो आपका पहला मल्टीपल होगा 7 × 1 होगा, 7 × 2 होगा, तो ये 7 × 4 मल्टीपल जो होगा वही आपका एवरेज है, तो आपका 68 एवरेज है। समझ गए? एक बार और बता दूं, फिर से सुन लो। आपको पता है जो पहला मल्टीपल होगा 7 × 1 होगा, दूसरा मल्टीपल 7 × 2 होगा, तीसरा मल्टीपल 7 × 3 होगा, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। और आपको सात शुरू के जो सात नंबर हैं उसका मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट क्या है, जो फोर्थ वैल्यू वही तो मिड पॉइंट है, क्योंकि आपने क्या किया, एक को यहाँ पे आपने दे दिया और तीन को इधर, तीन को इधर, तो आपका ये तीन इधर है, तो ये फोर्थ नंबर ही तो है, फोर्थ नंबर तो आपका मिड पॉइंट है, तो फोर्थ नंबर कौन सा है, 7 × 4, फोर्थ नंबर है, वही आपका मिड पॉइंट है, वही आपका एवरेज है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। तो मैं आपको यहां पे पहले ही तो ये बता देता हूं ना कि सम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट कह लो, फर्स्ट नहीं भी होगा तो भी काम, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ एन नंबर्स इन जीप इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि उनके जो बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो क्या होता है, n/2 2a + n-1d। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, n/2 a + l। यहाँ पे सबका मतलब आपको बता रहा हूँ, n मतलब नंबर ऑफ लोग, a मतलब जो पहला पहला नंबर है, d जो कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ लोग, a आपके जो पहला नंबर है, मतलब n मतलब नंबर, जितने नंबर्स हैं बेसिकली, नंबर ऑफ लोग मतलब जैसा आप वैल्यू पूछा रहे वैसा आपको करना है ना, तो n मतलब नंबर्स, ए मतलब आपकी पहली वैल्यू और एल मतलब आपकी लास्ट वैल्यू। ठीक है, आपको जो पता है आप उस हिसाब से उस फॉर्मूला को लगा लोगे। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस बताना है एवरेज का, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है 148/2 n/2 2a, यहाँ पे पहला इवन नंबर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि पहले मैं 148 नंबर का ले रहा हूं, तो पहला इवन नंबर 2 होगा, तो 2a है ना, 2a है, क्योंकि मुझे लास्ट नंबर नहीं पता, तो मैं निकालूंगा भी नहीं लास्ट नंबर, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 2a है तो 4 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, 148 नंबर है तो 147, एन माइनस वन 147, एक मिनट सेव हो जाने दो, 147 × d, d कितना है भाई, ये देखो इवन नंबर है ना, 2, 4, 6, 8, 10, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है ना, हर जगह देखो 2 है, हर जगह 2 है कॉमन डिफरेंस, तो ये 2 है, ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट 148 इवन पॉजिटिव नंबर्स, ये आपका सम हो गया, लेकिन आपको एवरेज निकालना, तो टोटल 148 नंबर है तो आपका ये एवरेज आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इधर का भी देख लो, इसको मैं इरेज कर दूं थोड़ा, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव क्या है, 129, तो 129/2 2a, तो यहाँ पे जो पहला इवन ऑड नंबर होगा सॉरी वो 1 होगा, तो 2a 2, ठीक है, 2 × 1 2a प्लस एन माइनस वन, मतलब 129 है तो 128 हो जाएगा एन माइनस वन, इंटू डी, यहाँ पे भी डिफरेंस आपका देखो 1, 3, 5, 7 है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपका 2, 2 का ही है, तो 2, ये हो गया मेरा सम ऑफ फर्स्ट 129 ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये हो गया मेरा सम, लेकिन मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना, तो उसको 129 से डिवाइड करूंगा, तो आपको दिख रहा है 148 से 148 जा रहा है, यहाँ से आपका 2 से 2 बार जा रहा है, यहाँ से आपका ये 2 चला जा रहा है, यहाँ से आपका 2 यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो आपका सिंपली यहाँ पे 129 बच गया है, और यहाँ पे सिंपली आपका 149 बच गया है, मैं कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, 2 दुनी और 147, तो 149 बच गया यहाँ पे मेरा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा कितना बच गया है, 129 बच गया है, तो मैं इसका डिफरेंस देख लूँ, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 20, तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना कि मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, 2a + n-1d, ठीक है, अपॉन, ठीक है, 148, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 129/2 2a + n-1 n-1d 2 है, ठीक है, तो यहाँ से मेरा 129, ठीक है, 2 से 1 चला गया, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से आपका ये चला गया, और यहाँ से आपका ये चला गया, तो 149 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ गया 129, तो 20 डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब देखो, द एवरेज ऑफ 11 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स इज डी, ठीक है, 11 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका जो एवरेज और डी है, तो आपको ये बात पता चल गई कि 11 नंबर है ना, तो एक को बीच में दूंगा, 5 इधर 5 इधर, जो ये 6th नंबर है यही मेरा है डी है, सॉरी डी है ना, ठीक है डी है। इफ द लास्ट 2 नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, अब देखो यहाँ पे मैंने 11 नंबर थे मेरे पास, 11 नंबर थे, तो जो 6th नंबर था ये मेरा क्या था, एवरेज था। अब 2 नंबर को इंक्लूड करते, मतलब अब मेरे पास 9 नंबर है, मैं 11th नहीं 11 होगा, तो 9 नंबर है, तो अब जो मिड पॉइंट होगा आपका 5वां नंबर होगा, ठीक है, यही आपका एवरेज होगा। तो देखो यहाँ पे आप एक बार देखो, तो अब जो 5th नंबर है ना,
फिफ्थ नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एवरेज हो जाएगा। और आपको पता है ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब अगर ये सपोज अगर ये डी है तो ये डी माइनस वन होगा, ये आपका डी प्लस वन होगा, ये आपका डी प्लस टू होगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना। ठीक है, तो आपको पता है फिफ्थ नंबर एवरेज होगा तो आपका डी माइनस वन मतलब एक से डिक्रीज कर जाएगी वैल्यू, तो विल डिक्रीज बाई वन। तो अब हमारे पास 13 क्वेश्चन और रखे हैं, 13-14 क्वेश्चन और रखे हैं, उसको कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे अच्छे आएंगे। ठीक है, तो हमसे कह रहा था एवरेज एज ऑफ राम एंड श्याम इज 28 साल। अगर रहीम को राम से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब अब राम की जगह रहीम आ गया, तो रहीम और श्याम का जो एवरेज एज है वो 26 हो जाता है। अगर श्याम की जगह रहीम रखते हैं, मतलब राम और रहीम का जो एवरेज एज है वो 30 आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है इनका अलग अलग एज क्या होगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं राम और श्याम का जो एज है, एज का सम, क्योंकि एवरेज एज 28 है तो जो इनके एज का सम होगा 56 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर रहीम राम को रिप्लेस कर देता है, मतलब इसकी जगह रहीम आ जाता है, तो रहीम और श्याम का जो एज हो जाता है वो कितना हो जाता है, 26 है, तो 26 × 2 52 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एज का सम लिख रहा हूँ। अगर रहीम श्याम को रिप्लेस करता, मतलब यहाँ पे अगर रहीम श्याम को रिप्लेस करता, मतलब राम और रहीम की बात होती है, अगर तो राम और रहीम की बात होती तो इनका जो एवरेज एज आ जाता वो 30 है तो 60 आ जाता। मतलब एवरेज एज नहीं, टोटल एज, एवरेज एज 30 है, 30 है तो टोटल एज 60 है। अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो आपका सब दो दो टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो राम रहीम और श्याम ऐड हो जाएंगे ना। तो इनका जो एवरेज एज नहीं, टोटल एज का सम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 50 50 100 108 और 168, 168 आ जाता। तो मुझे इससे मतलब है, सिर्फ मुझे इससे मतलब है 84 से। तो इन तीनों की एज का सम 84 आ गया है। मुझे बताना है राम का एज कितना है, तो राम का कितना है, तो आपको पता है अगर मुझे राम का एज निकालना हो ना, तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा जहां राम नहीं है, यहाँ पे राम नहीं है, तो रहीम और श्याम का एज 52 है, तो राम का एज कितना होगा, इसमें से 52 घटा दो तो 2 3 32 आ गया। तो 32 एक ही ऑप्शन में, आप बाकी भी निकाल सकते हो, क्योंकि सिक्वेंस राम श्याम रहीम का होना चाहिए, तो राम का मैंने निकाल लिया, बाकी आप निकाल सकते हो ऐसे ही। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। देखो कह रहा है, अगर मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो कह रहा है राम श्याम रोहन रीता और मुकेश का 5 लोग हैं, और इनको आप वेट कर रहे हो, इनका वेट ले रहे हो, और एक लोग का वेट किया उनका एवरेज वेट निकाला, फिर 2 लोगों का वेट किया उनका एवरेज एज निकाला, 3 लोगों का वेट किया उनका एवरेज एज निकाला, ऐसे आप कर रहे हो। और आप देख रहे हो एवरेज एज जो है, एवरेज वेट जो है वो दो दो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो आपने राम का जब वेट लिया तो सपोज एक्स आया, तो एवरेज वेट भी एक्स ही होगा क्योंकि एक ही आदमी है। अब आपने राम और श्याम का जब 2 लोगों का एवरेज वेट लिया, जब दूसरे लोग को चढ़ाया तो दोनों लोग का एवरेज वेट आया, तो वो एक्स प्लस टू आया क्योंकि 2 इंक्रीज कर गया आप वेट। आपने राम श्याम रोहन का जब एवरेज वेट लिया तो आपका फिर 2 से इंक्रीज कर गया, तो एक्स प्लस 4 इंक्रीज कर गया। ऐसे राम श्याम रोहन रीता का जब अपने एवरेज वेट लिया तो एक्स प्लस 6 हो गया, फिर से 2 इंक्रीज कर गया। फिर जब आपने पांचों का लिया तो आपका एवरेज वेट इतना हो गया। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है और आपसे पूछ रहा है कि राम का जो वेट है और महेश का जो वेट है, इनके वेट में डिफरेंस कितना है, इनके वेट का डिफरेंस कितना है। तो आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अगर आप देखो इसे आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो देखो रोहन यहाँ पे जो पहला बंदा है ना, राम, राम का तो वेट एक्स है, ये तुम्हें पता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इन सब का जो एवरेज वेट है वो एक्स प्लस 6 है। ये बात तो आपको समझ आएगा ना, मतलब इनका आप ऐसे समझ लो कि सबको मैंने एक्स प्लस सिक्स सबको वेट दे दिया मैंने। अब यहाँ पे मुकेश के आ जाने से इन सबका वेट दो दो से इंक्रीज कर जा रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि देखो इन चारों का तो एवरेज वेट एक्स प्लस 6 है भाई, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। मैंने मान लिया कि मुकेश का जो वेट है वो एक्स प्लस 6 तो है ही, साथ में सपोज यहाँ पे इसने वाई वेट और लाया है, वाई वेट इसका जो टोटल वेट है इतना है, तो एक्स प्लस 6 तो सबका था, इसका भी एक्स प्लस 6 है। अभी जो वाई है, वाई ये सब में 5 में बट जाएगा वाई, तब इनका एवरेज वेट 2 से इंक्रीज कर जा रहा है। तो मतलब इसका मतलब ये कि एम जो है, ये जो वाई वेट है ना, इसमें से सबको, 5 खुद को भी और बाकी को भी दो दो वेट दे दे रहा है सबको, तो टोटल 5 लोग हैं, तो 5 लोग को दो दो वेट देगा। दो दो वेट क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से वेट इंक्रीज कर गया है, तो 2 से तभी इंक्रीज कर गया जब मैं दो दो सब में बांट दूंगा। तो दो दो इसने बांट दिया, 5 लोगों में बांटा, तो ये वाई की वैल्यू 10 आ गई है। ठीक है, तो महेश का जो वेट है वो कितना है, एक्स प्लस 6 प्लस 10, यही तो है, तो एक्स प्लस 16 महेश का वेट है, और ये जो भी आर है उसका वेट एक्स था, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 आ जाएगा। समझ गए, इसको दोबारा वापस करके सुन लो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। देखो व्हाइल लिस्टिंग एन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स फॉर डिटरमाइनिंग दियर एवरेज, ठीक है, मतलब एन कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं उनका मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। द लास्ट नंबर बाई मिस्टेक गॉट रिप्लेस बाय द नेक्स्ट ऑड नंबर एंड देयर बाय द एवरेज टर्न आउट टू बी मोर देन द डिजायर्ड वैल्यू,
बाय 0.0125, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। देखो सिंपली कह रहा है यहाँ पे एन नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स थे, इवन नंबर्स, पहली बात तो ये देखो लिखा है इवन नंबर्स थे, इनका मैंने लिया एवरेज, लेकिन गलती से मैंने कहा कि जो ये आखिरी नंबर है ना, इस आखिरी नंबर को न लेके मैं इसका अगला ऑड नंबर ले लिया, ठीक है। तो जब अगला ऑड नंबर ले लिया तो आप देखो यहाँ से ये इवन है, ये अगला ऑड नंबर तो प्लस वन का ही तो गैप आएगा, तो ये आपने प्लस वन एक्स्ट्रा काउंट कर लिया है, और इस पंद्रह, इस प्लस वन की वजह से सबका कुछ वेट बढ़ जाएगा, ये वन आपने सब में बराबर बांट दिया, तो आपका जो वैल्यू है इतने से इंक्रीज कर गया, यही तो हुआ। आपको काउंट करना था ये, लेकिन आप एक ज्यादा काउंट कर लिए, तो जो आप एक ज्यादा काउंट करोगे वो सब में ही तो बटेगा, और जब में सब में बट गया, मतलब ये एक जो वैल्यू आपका एन नंबर लोगों में बट गया, तो आपका वेट जो भी एवरेज जो भी चीज है वो इतना ज्यादा आ गया, कितना, इतना, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपसे यहाँ से काट दो, आपको पता है ये चार जीरो चला जाएगा और ये 125 आठ बार में हजार को ले जाता है, तो 80 आपकी एन की वैल्यू 80 आ जाएगी, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अब फर्स्ट एंड लास्ट का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करा दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एन नंबर ऑफ लोग का मुझे दिया रहेगा एवरेज, मुझे यहाँ पे कुछ लोग का एवरेज यहाँ पे पता रहेगा, मुझे यहाँ पे कुछ लोग का एवरेज यहाँ पे पता रहेगा, तो यहाँ पे जो बीच में आता है, जब भी बीच में आएगा कुछ भी, अगर ओवरलैप, मतलब बीच में अगर गैप आ रहा है, तो जो भी डेविएशन सपोज मेरा पॉजिटिव आया है, तो यहाँ पे मैं निगेटिव कर दूंगा वैल्यू, मतलब ये निगेटिव माइनस में वैल्यू बांट दूंगा सबको, जितने भी लोग हैं, सपोज चार लोग हैं तो चार लोग के बीच में वो निगेटिव वैल्यू मैं बांट दूंगा बराबर बराबर। लेकिन अगर उसी केस में अगर मेरा यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, सपोज इतने लोग का मुझे एवरेज पता था, इसे दिखा दे रहा हूँ, इतने लोग का मुझे एवरेज पता था, इतने लोग का पता था और मुझे टोटल का पता है, तो आप देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ये चीज, और जब ओवरलैप करेगा जो भी डेविएशन का साइन रहेगा, सपोज मेरी वैल्यू आ गई प्लस 15, सपोज मेरी वैल्यू डेविएशन जो है प्लस 15 आ गया, और यहाँ पे तीन लोग ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं इन तीनों को बराबर बराबर पांच पांच बांट, तीनों को बांट दूंगा, तो जो एवरेज रहेगा वो मेरा ये रहेगा। साथ में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो शुरू में यहाँ पे पूरे का यहां से लेके यहां तक का जो एवरेज रहता था, यहां से लेके यहां तक का जो एवरेज था, सपोज मैं मान लेता हूँ 30 एवरेज था, तो मैं शुरू में जो बीच में कैविटी क्रिएट हुई है इसके मैं वेट 30 लूंगा, एवरेज में 30 मानूंगा। ऐसे ही अगर इस पूरे का एवरेज वेट अगर 40 था, तो ये जो बीच में ओवरलैप हुआ है इसका मैं एवरेज वेट 40 मान के चलूंगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। शुरू में आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, लेकिन डायग्राम बनाने की आपको हमेशा जरूरत नहीं है, जहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगे तुरंत डायग्राम बना लो, जैसे मैं बनाता हूं। तो शुरू में आपको डायग्राम बना के बता दे रहा हूं, वरना डायग्राम की कोई जरूरत है नहीं ऐसी। देखो द एवरेज डेली प्रोडक्शन ऑफ द टॉयज इन अ फैक्ट्री इन अ मंथ ऑफ दिसंबर इज 512। इफ द एवरेज प्रोडक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 20 डेज, यहाँ पे डेज की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे जो दिसंबर महीना था उसमें 31 दिन होंगे, और ये 31 दिन का एवरेज जो है वो 512 पर डे आपका जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है। शुरू के जो 20 दिन है उसमें आपका 515 बिक रहा है, और आखिरी के जो 13 दिन है, तो आप देखो यहाँ पे आपका 11 दिन बचा है और यहाँ पे 13 दिन आ रहा है, मतलब आपका ओवरलैप कर रहा है, दो दिन आपका ओवरलैप कर रहा है, तो ये 13 दिन का जो है वो आपका 510 है, तो आपको पता है ये दो दिन ओवरलैप कर रहा है, तो जब भी ओवरलैप करता है जो भी डेविएशन का साइन होता है उसके साथ हम लेते हैं उसको, अगर गैप क्रिएट होता है तो उसका अपोजिट साइन लेते हैं, ठीक है। तो मैं शुरू में इनका भी जो एवरेज है वो 512 ही मान लूंगा, जो टोटल का एवरेज रहता है वही मैं इनका 512 मान लेता हूँ शुरू में। और हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन 1920, इसी का मुझे इन्हीं जो ओवरलैप किया है दो दिन का उन्हीं का मुझे पूछा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 1920 लिखा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 20वां है, यहाँ पे ऐसे दिखा दूं ना, ये 20वां है, तो ये 1900, मतलब बीच में जो दो ओवरलैप कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे निकालना है डेविएशन, तो डेविएशन कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे 512 था, यहाँ पे आपका 20 था, यहाँ पे 515 है, तो आपको दिख रहा है तीन का डेविएशन है 20 लोगों पे, ये प्लस का डेविएशन है, यहाँ पे देखो माइनस का डेविएशन है, दो कम है, माइनस दो है, और यहाँ पे 13 लोग हैं, तो इतना डेविएशन आ गया, तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे 60 आ जाएगा, हाँ तीन, और यहाँ पे आ जाएगा 26, तो आपको दिख रहा है 34 का, प्लस 34 का आपको आया डेविएशन, और आपको पता है ये वैल्यू आप इसी जो साइन है उसी के साथ अब यहाँ पे बांट दोगे, यहाँ पे कितने लोग थे, दो बीच में दो दिन था, तो इन दोनों दिन में आप बराबर बराबर बांटोगे, मतलब आप 17 बांटोगे दोनों में, तो 512 से आपका ये 529 आपका क्या आ जाएगा एवरेज इन दोनों दिन का, 529, समझ में आ गया ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लाइन को ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे हम ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, इसमें को हम ओरली करने की कोशिश करेंगे कि हमें लाइन ड्रॉ न करना पड़े, लेकिन आपको कहीं पर भी अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो आप तुरंत लाइन ड्रॉ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमसे कह रहा है द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 65 है, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 72 है, और लास्ट 10 नंबर इज 9 है, सॉरी लास्ट 9 नंबर इज 58 है,
तो मुझे बताना है कि 10वां नंबर जब एक्सक्लूड कर देंगे तो एवरेज रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना आ जाएगा। तुम्हारा पहला काम क्या है ना, आप देखो ओवरलैप कर रहा है या गैप क्रिएट हो रहा है। तो 18 नंबर थे, 10 मैंने इधर से लिया, 9 इधर से लिया, तो देखो 19 नंबर है टोटल। तो ये एक नंबर जो है ना आपका ओवरलैप कर जा रहा है। तो मुझे पता है ओवरलैप कर जा रहा है। ओवरलैप से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि जो भी डेविएशन का साइन आएगा वही साइन मैं रखूंगा, कोई भी चेंज नहीं करूंगा। अगर गैप होता तो मैं उसका अपोजिट साइन रखता, लेकिन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा तो मैं सिंपल वही साइन लेकर जाऊंगा, जो डेविएशन में साइन आया है एक्स्ट्रा वही ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे ना कि जो बीच में ओवरलैप कर रहा है उसका एवरेज हम वही मान लेते थे जो एवरेज पूरे का दिया है। तो मतलब जो 10th नंबर ओवरलैप कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 10th नंबर ओवरलैप कर रहा है, क्यों? क्योंकि शुरू के पहले के 10 नंबर का ये है ये, तो आप देखो 10वां नंबर जो है ना वही ओवरलैप कर रहा है इसे। तो जो 10th नंबर का एवरेज है, मतलब जो 10th नंबर मैंने 65 मान लिया शुरू में, लेकिन ये है नहीं 65, मैंने माना है ऐसा। अब मैं देखूंगा डेविएशन कितना आ रहा है। देखो 65 है शुरू के 10 नंबर का, आपका जो है 72 है, तो आपको डेविएशन दिख रहा है यहाँ पे, डिवीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 का डिवीजन दिख रहा है, 5 और 7, तो आपको यहाँ पे 7 का डिवीजन दिख रहा है, वो पॉजिटिव में आपको 7 का डिवीजन दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लास्ट के 9 नंबर देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है जो आपका डिवीजन है यहाँ पे, आपका यहाँ पे भी 7 का ही डिवीजन है, ठीक है, लेकिन माइनस में, तो -7 का डिवीजन है 9 नंबर पे, तो इतना डिवीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, 7 का डिवीजन आ गया +7 का। तो आपको पता है ये जो साइन रहता है इसी साइन को हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं, तो आपका ये जो नंबर आ जाएगा 10वां, ये आपका 72 नंबर आ जाएगा। तो अगर आपसे 10वां नंबर पूछता तो आपका आंसर 72 आ जाता, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछ रहा है अगर मैं इस 10वें नंबर को निकाल दूं तो मेरा एवरेज एज कितना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बात पता है, शुरू में आपने ऐसा माना था ना, आपको आपको 18 नंबर का दिया है एवरेज 65 है, ठीक है 65 है, अब ये एक को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो आप देखो डेविएशन कितना ये लेके गया है, तो आपको दिख रहा है ये आपका 7 एक्स्ट्रा लेके गया है। आपको ऐसे सोचना है, अगर आप वैसे सोचोगे ना, अगर आप दिमाग नहीं लगा रहे हो, कोई फार्मूला याद करो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो गलती कि आप इसको +7 मान लोगे, लेकिन आपको +7 नहीं मानना है। क्यों? आप देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया ना कि सबके पास 65 65 टॉफी थी सबके पास, ये 10वां जो नंबर है ना, 10वां जो नंबर है इसके पास भी 65 टॉफी थी, लेकिन अब ये जब जा रहा है ना, निकल रहा है ना, तो ये देखो 7 टॉफी एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, क्योंकि 72 टॉफी लेके जा रहा है, मतलब ये 7 टॉफी निकाल लिया, तो वहाँ पे 7 की कैविटी आ गई है, मतलब 7 कम हो गया है वैल्यू वहाँ पे। तो ये जो 7 कम वैल्यू आएगी आप सब में बांट दोगे, जो माइनस की वैल्यू आई वो आप सब में बांट दोगे माइनस में, ठीक है। तो अब मेरे पास 17 लोग ही हैं, क्योंकि 18 तो चला गया, 17 लोग हैं, तो इसको 17 से डिवाइड करके मैं सब में बांट दूंगा, तो आपको दिख रहा है ये पॉइंट माइनस में पॉइंट समथिंग आएगा, एक से कम आएगा, तो जो आपकी ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 64 दशमलव कुछ आ जाएगी, तो आपकी एक वैल्यू ऐसी एक ही वैल्यू है, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन द मंथ ऑफ मार्च दलीप अर्नड 501 पर डे, तो मार्च का महीना 31 का महीना होता है, फॉर द फर्स्ट 18 डेज हिज एवरेज अर्निंग वॉज 495 एंड द फर्स्ट फॉर लास्ट 15 डेज हिज एवरेज अर्निंग वॉज 505 ऑन 18th मार्च, जो से बीच में का है ना उससे हमें बाद में हम मतलब रखेंगे उससे, लेकिन मैं इसको आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना। वैसे नंबर लाइन पर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 31 का महीना है, जो अर्निंग है वो 501 पर डे की है। फॉर द फर्स्ट 18 डेज, जो फर्स्ट 18 डेज की अर्निंग है उसकी, 18 दिन की जो अर्निंग है वो 495 है, साथ में जो लास्ट 15 डेज की अर्निंग है, 15 दिन की जो अर्निंग है वो कितनी है, वो है 505। सब कुछ सही लिखा हूँ मैं, कुछ भी गलत नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, वो कितने नंबर्स ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 18 5 आपका होता है 23, मतलब सॉरी 18 और 15 आपका कितना होता है, आपको होता है 33, मतलब दो नंबर ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, दो दिन ओवरलैप कर रहे हैं, टू डेज ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डेविएशन निकालूंगा, और जो डेविएशन आएगा आपको पता है साफ साफ कि जो भी डेविएशन आएगा हम उसी के साइन के साथ रखते हैं, और गैप आता अगर तो हम क्या करते हैं उसका अपोजिट साइन रखते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे गैप दिख रहा है, यहाँ पे देखो 6 का गैप दिख रहा है, -6 का गैप दिख रहा है 18 में, और यहाँ पे मुझे 4 का गैप दिख रहा है, +4 का गैप दिख रहा है कितने में, 15 में, तो मुझे यहाँ पे 15 चौका 60 दिख रहा है, यहाँ पे आपका 108 दिख रहा है, मतलब आपको 48 -48 का दिख रहा है, ये -48 में इसमें बराबर बराबर बांट दूंगा। मुझसे पूछा क्या यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान से देखो, हमसे पूछ रहा है ये 18 मार्च को कितना, कोई बात नहीं मैं एवरेज निकाल लेता हूँ। आप देखो यहाँ पे आप जो है ना, आप पहले इन दो का एवरेज शुरू में तो यही मानोगे ना 501, जो मैंने आपको बताया सबसे पहले, तो 501 एवरेज है, ठीक है। तो अब ये मैं बांट दूंगा दो लोग, क्योंकि यहाँ पे दो दिन है, तो मैं दो में बांट दूंगा, तो आपका -24 आ जाएगा, इसको साइन के साथ ही लेंगे यहाँ पे, तो 501 में से आप 24 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाना चाहिए, 477 आ जाना चाहिए, 477, तो आपका 477 आपका एवरेज आ गया, कितने दिन का, आपका 18वां और 17वें दिन का एवरेज आ गया। और आपसे कह रहा है जो 18वां दिन है वो 50 ज़्यादा कमा रहा है, जो 18 मार्च को है वो 5 ज़्यादा 50 ज़्यादा कमा रहा है 17 मार्च से। तो मैंने क्या किया ना,
सिंपल आप ऐसे सोच सकते हो, आपको ऐसे बहुत ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो 50 ज्यादा कमा रहा है, तो मैंने क्या किया, 25 कम यहाँ पे कर दिया तो 25 ज्यादा यहाँ पे कर दूंगा ना, तो आपका निकल के आ जाएगा 50 का गैप आ जाएगा। अगर इसमें से 25 कम कर दूंगा, इससे 25 ज्यादा यहाँ पे कर दूंगा, तो 50 का गैप आ जाएगा। तो इससे अगर 25 कम कर दूँ तो आपका 2 आ जा रहा है, आपका यहाँ पे 5 आ जा रहा है, यहाँ पे 4 आ जा रहा है, 452 आ जा रहा है आपका। हमसे पूछा कि 18 मार्च को, तो मुझे यहाँ पे ये ना करके यहाँ पे 25 ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे 18 मार्च को निकालना जो 50 ज्यादा है। मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ बात क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आपको कंफ्यूजन है। सेव हो रहा है क्या? मेरा जो 17 और 18 मार्च की जो एवरेज आई थी वो 777 रुपये आया था, और मुझे पता है 18 मार्च को 50 रुपये ज़्यादा कमा रहा, तो मैं 50 रुपये ज़्यादा कैसे करूँगा? 25 यहाँ से कम कमाएगा, 25 यहाँ पे ज़्यादा कमाएगा, यहाँ पे प्लस 25 कर दूंगा, यहाँ पे माइनस 25 कर दूंगा, तो आपका 50 का गैप आ जाएगा। तो ये 17 मार्च की वैल्यू हो गई, 18 मार्च की वैल्यू हो गई। तो आपसे 18 का पूछा, तो 7 5 12 दो हाथ लगाए, 7 2 9 1 10 0 हाथ लगाए एक, और ये 502, 502 रुपये आपका आ गया करेक्ट आंसर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर्स ऑफ फर्स्ट सिक्स ऑफ दिस नंबर इज 45 एंड दैट ऑफ लास्ट 7 नंबर। तो देखो 7 6 होता है 13, 7 6 होता है 13, और यहाँ पे 16 नंबर है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप दिख रहा है एक ना। तो जब गैप दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भी डिविजन आएगा उसकी अपोजिट वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और हमसे बाद में यहाँ पे कुछ बातें भी कही गई हैं ना, तो इसको मैं आपको नंबर लाइन से बता देता हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा हल्का सा चीज़ अलग करना है, क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे 16 नंबर्स का जो मुझे एवरेज दिया है 48 दिया है, शुरू के 6 नंबर्स का एवरेज जो मुझे दिया है, शुरू के जो 6 नंबर्स का मुझे एवरेज दिया वो मुझे कितना दिया है, 45 दिया है, और लास्ट के जो 7 नंबर्स का मुझे एवरेज दिया वो मुझे कितना दिया है, वो मुझे 53 दिया है, और यहाँ पे बीच में 3 नंबर्स बच गए हैं, 7 6 13 3, यहाँ पे 3 नंबर का जो मैं एवरेज मान रहा हूँ वो मैं 48 मान रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी तो 48 मान के करते हैं, बाकी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो अब मैं देखूंगा स्टैंड जो भी डिवीजन आ रहा है, डिवीजन कितना आ रहा है आपको, देखो 45, 3 का डिवीजन आ रहा है, माइनस 3 का डिवीजन आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 6 नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे आपको 5 का डिवीजन आ रहा है, और कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। तो माइनस 18 प्लस 35 जो भी डिवीजन आया वो कितने का आ गया आपको दिख रहा है यहाँ पे, सबको सही करना कैलकुलेटर से, 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिवीजन आ रहा है वो आपका 17 का आ रहा है क्या, 17 का नहीं आएगा, 17 का ही आएगा। तो 17 का डिवीजन आ रहा है, प्लस 17 का डिवीजन आ रहा है, और मैंने आपसे कहा ये जो 17 का डिवीजन आ रहा है ना, ये प्लस 17 का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस 17 करूंगा, क्योंकि यहाँ पे गैप है, तो मैं माइनस 17 करूंगा, और माइनस 17 मैं 3 में बराबर बराबर बांट दूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आप तो 17 3 से जा नहीं रहा पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ना इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन वगैरह दिया है ना, तीनों के बीच में रिलेशन वगैरह दिया है, तो जब ये रिलेशन दिया है ना, तो बेसिकली मुझे इन तीनों नंबर का सम निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा ये क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 का एवरेज 48 मैंने माना था, तो ये 3 का एवरेज 48 माना था, तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम जो होगा 144 हो जाएगा, मैंने 48 इंटू 3 करते, तो ये तीनों, ये जो 3 नंबर है ना, इनका सम 144 हो गया, ऐसा मैंने माना है था शुरू में एकदम। लेकिन यहाँ पे माइनस 17 मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि 17 का डिविजन आया है। तो यहाँ पे 3 में कर रहा था, तो मैं सिंपली 3 घटा के पूरा 17 इसमें दे दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 17 की आपका एक्स्ट्रा है, तो आपको यहाँ पे 17 माइनस करना पड़ेगा। 17 आप क्या माइनस कर रहे हो, तीनों में से माइनस कर रहे हो ना, 17 मतलब तीनों में बराबर बराबर बांट रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीनों का सम लिख लिया, तो आप इसमें 17 माइनस कर दो सिंपल। तो मैंने इसमें से 17 माइनस कर दिया, तो 144 में से मैंने 17 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया मेरा, 7 आ गया, यहाँ पे मेरा 2 आ गया, 127 आ गया। तो ये मेरा इन तीनों का एक्चुअल में जो है उस सम आ गया, इन तीनों का सम आ गया एक्चुअल का। अब हमसे क्या कह रहा है, जो 7th नंबर है और जो 8th नंबर है, और रिस्पेक्टिवली 3 और 7 ज्यादा है 9th नंबर से, तो 9th नंबर ये है, तो ये आपका एक्स प्लस 7 और ये आपका x प्लस 3 है, यही तो है नंबर आपके। और आप देखो इन तीनों का जो सम है वो 127 आया, तो 3x + 10 इक्वल टू 127, तो 3x इक्वल टू 117, और आपकी x की वैल्यू 39 आ गई है आपसे। लेकिन पूछा गया है आपसे एवरेज पूछा है 9th और 7th का, तो इसका और इसका एवरेज पूछा है, तो आपको इसका एवरेज अगर आप निकालोगे, देखो 2x + 3, तो जो एवरेज आ जाएगा 2x + 3/2, तो x + 1.5 आ जाएगा एवरेज इसका, जो कि आपका 39 + 1.5 हो जाएगा, जो कि 40.5 हो जाएगा। तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। जो यहाँ पे मेरा डिवीजन है वो प्लस 17 का डिवीजन आया था, ये 17 में 3 लोगों में बराबर बराबर बांट रहा था, कब बांटा था, जब यहाँ पे मैं एवरेज ले रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे एवरेज को खोल दिया हूँ, तो इसको भी खुले ही रहने देना है, समझ रहे हो ना, इसको भी खुले रहने, क्योंकि मैं एवरेज को खोल रहा हूँ, तो 144 आ जा रहा है, तीनों का सम 144 आ रहा है, और इसमें से मैं 17 प्लस आ रहा, तो मैं 17 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने 17 माइनस कर दिया, तो अब मेरा इन तीनों का सम आ गया, जो कि 127 आ गया था, 127 आ गया था।
समझ गए? तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो वो मैंने दूर कर दी। अब देखो, अब आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप तुरंत रोक के प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक बार रिवाइज फिर से करा दे रहा हूँ। सिंपली मैंने क्या किया ना, ओवरलैप कर रहा था, तो हम क्या करते हैं, डेविएशन का जो साइन रहता था उसके साथ ही उसको लेते थे, उसको बराबर बराबर बांट देते थे ना। अगर एक बंदा है तो आप वैसे सिंपली ऐड कर दोगे, अगर गैप आ रहा है तो गैप में हम क्या करते हैं, कैविटी आ जा रही है ना तो उसको भरनी पड़ेगी, तो जो भी हमारा डेविएशन आ रहा है ना उसके अपोजिट साइन से उसको भरते हैं, ठीक है? वो मेरी कैविटी हो गई। तो बस यही दो आपके इसमें बनते हैं। उसके बाद आपको उन तीनों का जो भी बीच में जो भी गैप है या जो ओवरलैप कर रहे हैं उनका आप एवरेज निकाले। तो एवरेज कैसे निकालते हो, आपने शुरू में उनका एवरेज वही माना था जो पूरे का एवरेज था, शुरू में आपने वही एवरेज माना था, फिर आप आगे क्वेश्चन जान ही रहे हो। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन को भी आप खुद से कर लो, और भी हम दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि नंबर लाइन ड्रॉ न किया जाए। वैसे मैं नंबर लाइन इसलिए ड्रॉ करता हूँ ना जिससे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। आप समझ लोगे तो फिर आप खुद बिना नंबर लाइन ड्रॉ किए कर लोगे उसे। तो एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 28 साल, एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज 30, एवरेज ऑफ फोर्थ स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ द एज ऑफ 5th स्टूडेंट। ठीक है, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। एजेस ऑफ लास्ट टू स्टूडेंट इज सेम एंड 5 मोर देन दैट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट। तो आपको कह रहा है जो शुरू के 3 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज 30 है, और जो लास्ट के कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज एज 5 ज़्यादा है। एवरेज एज इनकी 5 ज़्यादा है, इनसे 5 ज़्यादा है, मतलब इनकी एवरेज एज 35 है, और बीच में 2 बच्चे और हैं जिनकी कैविटी क्रिएट हो गई है। और मैंने ऐसा मान लिया जो बीच में 2 है उनका एवरेज एज शुरू में मैंने कितना माना है, जितना पूरे का एवरेज एज था, मैंने 28 मान लिया है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, पहली बात तो ये। तो जो भी डिविजन आएगा उसका अपोजिट साइन मैं यहाँ पे करूंगा। तो अगर मैं डिविजन देखूँ तो आपको दिख रहा है इसमें आपका 2 का डिविजन आ रहा है 3 लोगों में, और यहाँ पे आपका 7 का, क्योंकि 28 था, यहाँ पे 35 से 7 का डिविजन आ रहा है 2 लोगों में। तो अगर इसको देखूँ तो आपका 22 का डिविजन आ रहा है, 22 का प्लस 22 का डिविजन आ रहा है, और यहाँ पे 2 लोग हैं। तो मैं पहली बार तो -22 कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आपका -11 आ जाएगी वैल्यू, और आप 28 में से 11 माइनस कर दो, 14 और 3 दूनी 6, यहाँ पे 7 10 है ना, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है? समझ गया ना, यहाँ पे 20 आ जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 20 आ गया। तो 20 को मैं 2 लोगों में बांटूंगा तो -10 करूंगा मैं, तो 28 में -10 करूंगा तो 18 आ जाएगा। तो आपका ये 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप खुद से करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। तो द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 42, 12 नंबर का 42 दिया है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अब मैं कर रहा हूँ ना आप वैसे भी कर सकते हो, लाइन नहीं ड्रॉ करना, आप ऐसे कर लो। तो 12 नंबर का 42 है, जो लास्ट 5 नंबर्स हैं उनका 40 है, जो फर्स्ट 4 नंबर है उनका 44 है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, 3 का गैप क्रिएट हो रहा है, जो 3 बीच में आपके गैप हो जा रहे हैं, क्योंकि 5 4 9 तो यहाँ पे 12 लोग हैं, तो 3 का गैप क्रिएट हो रहा है। तो 3 का जो मैंने शुरू में मानता हूँ ना एवरेज, आपको पता है कि जो टोटल का एवरेज रहता है वही मैं शुरू में मानता हूँ, इसको मैंने सिर्फ माना, ये एक्चुअल नहीं है तीनों का एवरेज, मैंने ऐसा मान लिया है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो बीच के जो नंबर्स है ना इस पर कुछ ऑपरेशन हम अप्लाई करें, जिससे ये 3 ज्यादा, ये 4 ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो मुझे यहाँ पे मुझे ना तीनों का सम निकालना पड़ेगा, उसका मैं ये चीजें सॉल्व कर पाऊंगा, ये सब जो चीजें लिखे। तो आप यहाँ पे 3 का एवरेज 42 मान लो, या आप तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों के मतलब जो वैल्यूज का सम है, प्रोडक्ट नहीं, तीनों के वैल्यूज का जो सम है वो आपका 126 मान लो, तो 126 मान के चलेंगे हम, 42 को भूल जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इस पर हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करो, तो मुझे बेसिकली उसको खोलनी है वैल्यूज को, ठीक है? तो हम ये शुरू में ये सब चीज़ें मान के चलते हैं। अब आपको पता है जो यहाँ पे आपका गैप क्रिएट हो रहा है, तो जो भी डिविएशन है उसका अपोजिट साइन में इसमें डाल दूंगा, ठीक है? तो जो डिविएशन आ रहा है आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 का डिविएशन आ रहा है -2 का 5 लोगों के लिए, यहाँ पे +2 का डिविएशन आ रहा है 4 लोग के लिए। तो आपका जो ओवरऑल डिविएशन आ रहा है वो आपका -2 का डिविएशन आ रहा है। तो जब आपको -2 का डिविएशन आ रहा है तो आपको मैंने बताया कि आप इसका अपोजिट इसमें डाल दोगे। वैसे आप ये -2 ना 3 लोगों में बांटते, 3 लोगों में आप तब बांटते, आप 3 लोगों में बांट के जब तब ऐड करते जब आप एवरेज निकालते, लेकिन यहाँ पे मैं ना टोटल सम निकाल रहा हूँ, तो टोटल सम निकाल रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो -2 आ रहा था तो मैं उसका अपोजिट साइन लूंगा, तो मैं +2 कर दूंगा तो 128 हो जाएगा, 128 हो गया। तो मतलब इन तीनों का जो एक्चुअल सम आया है वो 128 आ गया, जो बीच में 3 नंबर्स हैं उनका जो एक्चुअल सम है वो 128 है। अब हमसे क्या कह रहा है, द 6th नंबर इज 6 लेस देन द 5th एंड 5 लेस देन द 7th नंबर। इसका मतलब क्या है, जो 7th नंबर को एक्स मान लो तो ये 7वें नंबर से 5 कम है, जो 6th, ये देखो अरे यार सेव हो जाओ भाई तुम पहले, ये 7th नंबर है, 6th नंबर है, 5th नंबर है, तो जो 6ठा नंबर है उस 7वें नंबर से 5 कम है, ठीक है?
ठीक है। और ये द सिक्स नंबर इज सिक्स लेस देन द फिफ्थ नंबर, सिक्स लेस देन द फिफ्थ नंबर, इससे आपका कितना कम है, इससे छः कम है। तो इससे छः कम कैसे होगा, जब ये आपका एक्स प्लस वन होगा तब ये छः कम हो जाएगा और इससे पाँच कम है। ठीक है, तो ये है वैल्यू। ठीक है, अब हमसे कह रहा है द एवरेज ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ नंबर। तो फिफ्थ और सेवन्थ नंबर का अगर एवरेज लूँ तो आपको दिख रहा है एक्स प्लस 0.5 एवरेज आ जाएगा ना इसका, लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो आपको पता है इन तीनों का जो सम है वो आपको 128 दिया है, मतलब 3x माइनस 4 की वैल्यू आपकी 128 है, तो ये 132 हो जाएगी 3x की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4 4। तो आपका ये एवरेज निकाला तो आपका 44.5 आ जाएगा एवरेज। ठीक है, आसान सा था। अगला देखो, आउट ऑफ फोर नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर इज 16। मतलब यहाँ पर चार नंबर हैं जिसमें जो पहले तीन नंबर का एवरेज है वो 16 है, तीन नंबर का एवरेज 16 है, और आखिरी तीन नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, वो 15 है। हमसे कह रहा है लास्ट नंबर, जो लास्ट नंबर, देखो यहाँ पे तीन नंबर का एवरेज निकालो तो आखिरी एक नंबर ही तो बता, क्योंकि टोटल चार नंबर थे। तो इसकी वैल्यू 21 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे आपको पुराना तरीका नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे ओवरऑल का नहीं पता है, पर तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है जो कि बहुत ही आसान टाइप का है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तीन तीन लोग 16 वाले हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सम होगा 48 हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ से ऐसे है तो मुझे शुरू के तीन लोगों का जो एवरेज है वो 16 दिया है, तो अगर मैं सम निकालू तो 16 इंटू 3 छोटू 48 हो जाएगा, मतलब इन तीनों का जो सम है 48 हो जाएगा। आखिरी के तीन नंबर का जो सम है वो 15 एवरेज है, तो 15 इंटू 3 45 हो जाएगा। आपको आखिरी जो नंबर है वो 21 हो जाएगा, पता है आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है इसका सम जो है, अगर मैं आपको हाईलाइटर से दिखा दूँ तो इसका जो सम है वो इसके सम के बराबर ही तो है। ठीक है, तो मतलब 45 प्लस 1, ये देखो तीन लोग का सम 45 है और ये चौथा आपका एक्स मान लो, और यहाँ पे इन तीनों लोग का सम 48 है और इसका 21 है, तो यही तो होगी वैल्यू। अब आप इसको, मैं सिंपली एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ना आपको इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको 45 मान लो, 45 प्लस 24 हो जाएगा। इसको मैंने सिंपली तीन इसमें डाल दिया तो 24 एक्स की वैल्यू 24 आ गए, तो आपका ये हो गया सॉल्व, और यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। सारा ही टाइप्स मैंने बहुत ही अच्छे से कोशिश की आपको समझ में आ जाए, और कोई भी हमने फार्मूला, आपको पता है कोई भी फार्मूला हमने पढ़ा नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फार्मूला आप पढ़ते हो ना वो भी आप वहाँ जाके भूल जाते हो, समझ रहे हो। मैंने भी कोई फार्मूला याद नहीं किया है, ऐसे ही जो चीज़ें हैं वो है। बस आपको एक चीज़ बस इतना याद रखना है कि जब भी ओवरलैप करता है तो जो भी आपका डिवीजन आता है वो साइन के साथ लेते हो उसमें, ठीक है। अगर गैप आता है तो जो भी डिवीजन आता है उसका अपोजिट साइन लेते हो। साथ में आपको एक बात और बतानी है, अगर आपको नॉर्मल एवरेज बताना है, जो बीच वाले नंबर का एवरेज बताना है ना, तो जो भी आपका डिवीजन आता है उसको आप उतने नंबर से डिवाइड करके ऐड कर देते हो, जब आपको नॉर्मल इन तीनों का एवरेज बताना है। लेकिन अगर इन तीनों नंबर पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, जैसे आपको मैंने बताया ना यहाँ पे ये इतना तीन ज्यादा ये चार ज्यादा है, तो सिंपल मुझे इसका सम निकालना पड़ेगा। तो आप इसको एवरेज ना मान के इसका पूरा सम लिया करो, जो बीच में जो आपका गैप क्रिएट हुआ है, आपकी जो आपका ओवरलैप कर रहा है उसका टोटल तीनों का सम माना करो शुरू में, और जो आपकी डेविएशन आई है ना उसको नॉर्मली ऐड कर दिया करो, उसको डिवाइड नंबर तीन डिवाइड दो से मत किया करो, कि दो नंबर तो दो से डिवाइड करो मत किया करो, सिंपली उसको ऐड कर दिया करो, तो आपका तीनों का सम आ जाएगा, जो बीच में जो भी नंबर्स हैं जितने भी नंबर्स जो ओवरलैप हो रहे हैं जो गैप है उसका आपको सम आ जाएगा, बाकी आप ऑपरेशन अप्लाई कर दो। तो ये सब चीज़ें तो मैंने कोशिश की है कि सारे टाइप्स कवर कर दिए मैंने, तो आप इसको बस पी वाई क्यू लगाओ, आपसे लगभग सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। थैंक यू सो मच।